हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे कि मेरी वॉइस वॉइस एंड एंड वीडियो वीडियो दोनों दोनों एकदम एकदम क्लियर क्लियर आ रही है क्या? वीडियो दोनों क्लियर है क्या जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट करके अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू थोड़े से कमेंट जूम कर दो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी पढ़ाई कैसी चल रही है और ये सेशंस कितने हेल्पफुल हो रहे हैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो है देखो लगातार ये पूरे दो महीने आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है ठीक है पचास दिन तक हम कंप्लीट थ्योरी को पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के उन सभी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ रहे होंगे साथ साथ उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर करेंगे एक महा रिविजन ठीक है तो ये कंप्लीट दो महीने का आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेडली प्लान्ड कोर्स है जिसे आप अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो यूज करते हो अगर सीरियसली इसको फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है अ वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एकदम क्लियर है वगैरह सब बच्चे बता रहे हैं सर एकदम बढ़िया है है क्लियर विश्वास के सर हम इस पर ही भरोसा किए हुए हैं बिल्कुल विश्वास आपने जो विश्वास किया है क्रैश कोर्स पे वो विश्वास कभी टूटेगा नहीं ठीक है क्योंकि ये इतना डेडिकेटेडली इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है इतना डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है आप देख सकते हो कि सर स्टील जो सब्जेक्ट है इसको भी हमने लगभग हर चीज हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी हमने यहां पर स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर भी कवर करी है ठीक है तो पूरे दिन लगातार रिवीजन स्टील स्ट्रक्चर कर रहे हैं अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना रेगुलर इसमें हो या कितना डेडिकेटेडली डेडिकेटेडलीर्स को फॉलो कर रहे हो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है सर शुरू करते हैं देखो आज की क्लास के अंदर आज की क्लास में लेक्चर नंबर फाइव है आपका स्टील का कंप्रेशन मेंबर पार्ट टू तो कंप्रेशन मेंबर पार्ट टू को आज हम लोग कवर करेंगे और फिर डिजाइन ऑफ बीम्स को भी आज हमारा टारगेटेटेटेटेट रहेगा कि सर डिजाइन ऑफ बीम्स को भी हम लोग आज कवर कर लेकिन ताकि कल ताकि कल की क्लास के अंदर हम लोग प्लेट गर्डर्स गेंट्री गर्डर्स इंडस्ट्रियल रूफ प्लास्टिक एनालिसिस जैसे टॉपिक जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत तकलीफ देते हैं उनको हम कल बढ़िया तरीके से पूरे दो घंटे के अंदर कवर अप कर पाएं तो आज हमारा टारगेट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कंप्रेशन मेंबर पार्ट टू को हमें कवर करना है और साथ ही साथ डिजाइन ऑफ बीम्स को कवर करना है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो आप लोगों का सपोर्ट भी लगेगा इसमें कि सीरियसली बैठ के अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करोगे समझने की कोशिश करोगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए और ज्यादा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए ठीक है ओके सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन मेंबर बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और कंप्रेशन मेंबर का पार्ट वन काफी हद तक कंप्रेशन मेंबर के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करी थी यूनिटी एप्लीकेशन है पीडब्ल्यू डॉट लाइव पे लॉग इन कर सकते हो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पर है और फ्यूचर में और बढ़िया इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें अपडेट होते रहेंगे जो आप लोगों के काफी काम आने वाले हैं ठीक है सर

पुश करो खुश रहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुश योर सेल्फ आपको अपने लिमिट्स को क्रॉस करना है अगर आप छह घंटे अभी तक पढ़ रहे थे तो ये टाइम इतना कम बचा है आपके पास एक्सएससी एग्जाम में लगभग चालीस दिन आपके पास बचे हैं बस अगर ओवरऑल एनालाइज करें ऑन एन एवरेज तो फोर्टी डेज आपके पास बचे हैं फोर्टी डेज में अब आपको अपने आप को पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये बात को आपको ध्यान रखना है तो कोई और करने वाला नहीं है आपके लिए आपको ही करना है वो डिसिप्लिन आपको ही मेंटेन रखना है टाइम टेबल आपको ही फॉलो करना है शेड्यूल आपको ही फॉलो करना है और रिजल्ट भी आपका ही आएगा तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कि पुश योर बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू ठीक है तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो ये मोटिवेशन के साथ हर दिन को स्टार्ट किया करो कि सर आज बिल्कुल ये हमें अच्छे तरीके से एक एक सेकंड को एक एक मिनट को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे आज के दिन बहुत ही बढ़िया वेरी गुड शुरू करते हैं सर आज की क्लास कॉलम स्ट्रेंथ देखो कंप्रेशन मेंबर अब पूरा फोकस अपना यहां लगा देना एक एक करके बढ़िया तरीके से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स आज हमको कवर करने हैं तो पूरा पूरा फोकस आपका अब स्क्रीन पर होना चाहिए और यहां बहुत ही क्रिस्प वे में बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे कंप्रेशन मेंबर वाले चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे तो देखो सर यहां पर सबसे पहले कंप्रेशन मेंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कंप्रेशन मेंबर होता क्या है ठीक है कंप्रेशन मेंबर में कौन कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे स्टैंचियन के बारे में मैंने कल आपको बताया था स्ट्रट के बारे में मैंने आपको बताया था बूम के बारे में मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हमने देखी थी वहां पर कि फ्रेम स्ट्रक्चर में जो मेंबर होता है या फिर क्रेन्स वगैरह में जो मेंबर होते हैं तो उसमें किस किस तरीके के एलिमेंट्स आपके पास यूज होते हैं तो ये बात हमने कंप्रेशन मेंबर में कल कर ली थी वहां पर फिर फाइनली हमने इफेक्टिव लेंथ के बारे में बातचीत करी थी जो कि आपके पास किसी पर्टिकुलर मेंबर की एंड कंडीशन पर डिपेंड करती है तो उसके बारे में भी हमने बातचीत करी कि सर एंड कंडीशन पर किस किस तरीके से आपकी इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करेगी और वहां से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन क्वेशंस आपको देखने को मिलते हैं अब उसके बाद सर देखना यहां पर नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम स्ट्रेंथ कर्व देखो जब भी भी हम कॉलम की बात करते हैं वो भी एक तरह से उस पे भी कंप्रेसिव लोड्स आपको देखने को मिलते हैं तो कॉलम स्ट्रेंथ कर्व की जब हम बात करेंगे इसका बेसिकली यहां पर मतलब है हम सर स्टील कॉलम्स के बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन जनरल जब आप कॉलम के स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हो तो आप जनरली इसको यूलर्स बकलिंग क्राइटेरिया से एनालाइज कर रहे होते हो ठीक है यूलर्स बकलिंग क्राइटेरिया जनरली एनालाइज करते हैं और वहीं पर हम लोग एक क्रिटिकल लोड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इस बात को सबसे पहले सर यहां पर हमें देखना है कि जनरली जनरली या यूजअली मतलब आम तौर पर बात करी जाए जनरली बात करी जाए जनरली जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम जो कॉलम की ताकत है द स्ट्रेंथ है या उसका एनालिसिस है ठीक है द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम इज एनालाइज्ड

वहाँ पर और क्रिटिकल लोड जो है दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आई मिनिमम बाय ले स्क्वायर ठीक है पाई स्क्वायर ये मिनिमम बाय एल स्क्वायर तो ये हमारे पास होता था पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर ये आपका क्रिटिकल लोड है अब यहीं से अगर आप क्रिटिकल स्ट्रेस को भी कैलकुलेट करते हो तो ध्यान से देखना सर अगर मैं यहां पर एफ की बात करता हूं एफ सी आर सर मेरे पास क्या है, FCR है सर critical stress. तो होता है सर लोड अपॉन एरिया तो पीसीआर डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो यहां से आपको स्ट्रेस मिल जाएगा तो देखो ये जनरली आप एनालाइज इस तरह से कर रहे थे यहां पर अच्छा आई मिनिमम को आप ऐसे लिख सकते हो क्या लिख सकते हो ए आर स्क्वायर लिख सकते हो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं सर ठीक है ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर दिस इज बेसिकली और मिनिमम का स्क्वायर आर यहां पर आपके पास रेडियस ऑफ है इसके बारे में कल हमने बातचीत करी थी और नीचे देखो सर हमारे पास नीचे आपके पास यहां पर आएगा ए मल्टीप्लाई बाई एल तो सर ए से A यहां पे कैंसिल आउट कर सकते हो एल डिवाइडेड बाय आर मिनिमम ये क्या बन जाता है सर हमारे पास एल डिवाइडेड बाय आर मिनिमम ये बन जाता है सर आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो तो यहां से क्रिटिकल जब स्ट्रेस निकालते हो तो दैट तो इज पाई स्क्वायर ई बाय लेमडा स्क्वायर और लेमडा आपके पास स्लैंडनेस रेशियो यहां पर होता है तो जनरली हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर इस क्रिटिकल लोड को एनालाइज करते हैं और साथ ही साथ इस क्रिटिकल स्ट्रेस को एनालाइज करते हैं और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है सर कि ये जो एफसीआर है ये जो क्रिटिकल स्ट्रेस है ये आपके पास कभी भी आपका जो ईल्ड स्ट्रेस है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए अदरवाइज कॉलम में आपको देखने को मिलेगी या कॉलम आपका थोड़ा बहुत डिफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारी बातें एक बेसिक एनालिसिस है जो जनरली किसी भी कॉलम में आप लोग करते थे लेकिन आई कोड जो आपका एट हंड्रेड है जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को समझाता है उसने बोला कि सर जब हम स्टील कॉलम्स की बात करते हैं तो वहां पर बकलिंग कुछ इस तरह से नहीं होती वहां पर बकलिंग हमारे पास और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जैसे कि रेसिडुअल स्ट्रेस हो गया जैसे कि सर आपके पास एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी हो गया रेसिडुअल स्ट्रेस मतलब ऐसे स्ट्रेसेस जो बच गए वहां पे

और बकलिंग जो स्टील में डिफाइन होता है उसी के आधार पर हम चेक करते हैं कि कोई स्टील का सेक्शन हमारा कितना होता है। इस को भी हमें सर यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि सर अकॉर्डिंग टू आई एस की बात करें तो यह बात समझना कि सर हमारा आई कोड क्या बोल रहा है हमारा आईएस कोड ये बोल रहा है सर अकॉर्डिंग टू आई कोड 800 2007 2007 थाउजेंड सेवन बकलिंग जो हमारे पास होती है बकलिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स जो स्टील स्ट्रक्चर्स की बकलिंग है या स्टील स्टील कॉलम्स की बकलिंग बकलिंग है है स्पेसिफिकली यहां पर ठीक ऑफ स्ट्रक्चर्स डिपेंड्स अपॉन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन रेजिडुअल स्ट्रेसेस सर ये बचे हुए जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है सर ये एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करता है ठीक है एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल इस सेंट्रिसिटी पर डिपेंड करता है एंड जो डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है different, different आपके पास, and loading conditions, loading conditions, तो इन चीजों कर रहा है। इस वजह से ये exact के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा देयर फोर देर फोर फोर इसी वजह से क्या हो रहा है सर देर फोर सर्टेन देर फोर सर्टेन बकलिंग क्लास दे आर फोर सर्टेन बकलिंग क्लास बकलिंग क्लास आर डिफाइंड कुछ सर्टेन बकलिंग क्लासेस को हमने डिफाइन किया है आर डिफाइंड आर डिफाइंड एंड यूज फॉर एंड यूज फॉर यूज फॉर एनालिसिस एनालिसिस ऑफ स्टील कॉलम तो ये अलग अलग बकलिंग क्लासेस को हम डिफाइन करते हैं और इन्हीं को हम स्ट्रीट कॉलम के एनालिसिस के लिए यूज कर रहे होते हैं सबसे पहली बात तो ये, अब देखो अकॉर्डिंग टू आई को डिफरेंट बकलिंग क्लासेस कौन कौन सी है are, different buckling, different buckling तो सबसे पहले सर, हमारे पास सबसे पहले है बकलिंग क्लास ए बकलिंग क्लास ए तो क्लास ए बकलिंग हमारे पास देखने को मिलती है एक चीज यहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है यही पर बढ़िया तरीके से समझ जाना है है इस चीज को कि कि सर बकलिंग क्लासेस जो होती है हमारे पास पास ध्यान से मान लो आपके एक कॉलम है ठीक है अब इसके ऊपर कोई लोड वोड लग रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्रेशन लोड लग रहा है इसेंट्रिसिटी भी आ सकती है तो मोमेंट्स भी आ सकते हैं कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड आपके पास लग रहे हैं उससे यह कॉलम बकल होने वाला है सर ठीक है ऐसी बात है अब बकल होने वाला है तो सर हमारे पास ये कॉलम की इम परफेक्शन के आधार पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी बकलिंग कितनी जल्दी होगी किस एक्सिस के बाउट होगी यो वीकर एक्सिस कौन सी है ये सब भी डिपेंड करता है कि इम परफेक्शन कितने हैं हमारे पास मतलब सर क्लास ए जो बकलिंग होती है ये बेसिकली होता है सर इसमें हमारे पास इट हैज नो इम्परफेक्शन इट हैज नो इम्परफेक्शन ठीक है तो इसमें क्लास ए वाली बकलिंग जो होती है सर इसमें हमारे पास वो सारे सेक्शंस वो सारे सेक्शन जो क्लास ए में लाई करते हैं दे हैव नो इम्परफेक्शन सबसे पहली बात सर यह होगी सेकेंड बात सर यहां पर देखना क्लास बी क्लास बी वाले जो होंगे इट स्मॉल इम्परफेक्शन ठीक है इसमें स्मॉल इम्परफेक्शन होते हैं क्लास सी वाले में देखोगे तो सर सर इट हैज इट हैज स्लाइटली मोर इम्परफेक्शन थोड़ा सा इसमें और ज्यादा इंपरफेक्शन आपको देखने को मिलते हैं स्लाइटली मोर इम्परफेक्शन और क्लास डी जो आपके पास होती है डिफाइंड इस क्लास डी के अंदर इट हैज लॉट्स ऑफ इम्परफेक्शन इट हैज हाइएस्ट बोल दो या लॉट्स ऑफ बोल दो ठीक है इट हैज लॉट्स ऑफ इम्परफेक्शन तो सर ये जो इम्परफेक्शन यहां क्रिएट होता है अलग अलग बकलिंग क्लासेस में जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी गवर्न होती है सर जिसकी वजह से हमारे पास उसकी बकलिंग क्राइटेरिया भी गवर्न होती है तो ये जो सारे इम्परफेक्शन क्राइटेरिया है इसी को एक टर्म एक फैक्टर से डिफाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर इम पर फैक्टर जो हर एक क्लासेस का अपना अलग अलग होता है ठीक है तो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी सर सबसे पहली बात यहां पर ध्यान रखनी है कि सर एवरी बकलिंग क्लास हर एक बकलिंग क्लास जो हमारे पास है और ये आपका सीबीटी वन के लिए इंपॉर्टेंट है एवरी बकलिंग क्लास हैज हैज इट्स इट्स ओन ओन फैक्टर ये टेबल में भी आपको दिखाऊंगा वो टेबल आपको याद रखनी है ठीक है इसका हर एक बकलिंग क्लास का खुद का एक इम परफेक्शन फैक्टर होता है जो हमें याद करके चलना है अभी तक तो सर एकदम सिंपल सिंपल सी बात ही थी ठीक थी, है अब यहां पर देखो जो कर्व की मैं बात कर रहा हूं तो वो कर्व बेसिकली हम कैसे बनाते हैं आई एस कोड में जब आप देखोगे तो सर आपको एक कर्व देखने को मिलेगा जो कि इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो जो हमारे पास यहां पर होता है नॉन यूनिफॉर्म इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो और यहां पर देखोगे सर एफसीडी अपॉन एफसीआर इसके बीच में एक ग्राफ बनता है आपके पास ठीक है सर एफसीडी क्या हो गया एफसीडी देखो एफसीडी होता है सर हमारे पास डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये क्या होगा सर ये हमारे पास होगा सर डिजाइन डिजाइन कंप्रेसिव डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ध्यान से समझना चीजों को बढ़िया तरीके से सिंगल फ्लो के अंदर बहुत बढ़िया दिमाग में बैठेंगी अब यहां से FCR क्या होता है सर? FCR हमारे पास होता है है सर हमारे पास क्रिटिकल ठीक है दिस इज बेसिकली योर क्रिटिकल स्ट्रेस तो सर ये हमारे पास क्रिटिकल स्ट्रेस हो गया ये हमारे पास डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया इसी को अगर चेक करोगे और यहां पर देखो एक लाइन में ले लेता हूं वो हमारे पास इल्ड स्ट्रेस वाली लाइन है सो दिस इज बेसिकली योर ईल्ड स्ट्रेस और यहां पर भी एक पार्ट आपका डिफाइंड होता है ये एक पार्ट डिफाइंड होता है और ये जो लेमडा हमारे पास यहां होगा इस लेमडा को बोलते हैं लेमडा पी अब सर लेमडा पी का सिग्निफिकेंस क्या है लेमडा पी का सिग्निफिकेंस ये है कि सर यहां पर अगर आप लेमडा पी को क्रॉस कर जाते हो तब तो आपके पास स्ट्रक्चर या किसी पर्टिकुलर कॉलम जो है वो आपका एल्डिंग से बकलिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है इल्डिंग से बकलिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है ये लैम्डा पी का बेसिक मतलब होता है अब यहां से देखो यहां से जब हम कर्व्स की बात करेंगे तो सर कर्व कैसे आएंगे हमारे पास अलग-अलग कर्व्स जो हम यहां पर देख सकते हैं वो सर आपके पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे ठीक है ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ये आपको कुछ इस तरह देखने में तो ये आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के कर्व देखने मिलते हैं जिसमें सबसे ऊपर वाला जो है ये आपके पास बकलिंग क्लास ए का कर्व है सेकंड जो ये आता है ये बकलिंग क्लास बी का कर्व है सर तीसरा जो हमारे पास आया ये सर ऑब्वियसली बकलिंग क्लास सी का कर्व हो गया और ये जो कर्व हो गया वो बकलिंग क्लास डी का कर्व हमारे पास हो जाता है तो हर एक क्लासेस के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कर्व देखने को मिलते हैं और यही समझ पा रहे हैं कि सर क्लास ये सबसे ऊपर है मतलब वो ईल डिस्ट्रेस के काफी क्लोज जा सकता है मतलब यहां पर इन परफेक्शन आपके काफी हद तक कम होंगे रिड्यूस होंगे लेस होंगे इसलिए स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी अच्छा खासा होगा ये स्टील कॉलम के बकलिंग को गवन करने की बातें यहां पर करी जाती हैं सर इस तरीके से ठीक है तो ये सारी बातें सर हमने करी क्लासेस के बारे में अब इम्परफेक्शन फैक्टर के बारे में देखेंगे लेकिन उससे पहले देखेंगे डिजाइन और अलग अलग तरह के हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन होते हैं जैसे कि सर यहां पर देखो यहां पर है सर हमारे पास जैसे आईएस कोड ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको डिफाइन कर रखे हैं कि सर जितने भी हमारे पास रोल्ड सेक्शंस होते हैं ये कुछ आपके पास रोल्ड सेक्शन है जिसमें एच एप वन बी एफ या फिर आपका जो रेशियो होता है जो थिकनेस ऑफ फ्लेंच का रेशियो होता है वो चालीस से अगर कम है या थिकनेस ऑफ फ्लेंच आपका चालीस से सौ के बीच में है तो देखो आपको बताएगा कि कौन से एक्सिस के अबाउट आपके पास बकलिंग देखने को मिलेगी वाई वाई एक्सिस जेड जेड एक्सिस इसी के आधार पर हम लोग यहां पर क्या करते हैं हम लोग यहां पर सर बकलिंग कर्व को डिफाइन कर लेते हैं कि सर ये बकलिंग क्लास ए है या बकलिंग क्लास बी है बकलिंग क्लास बी है या बकलिंग क्लास सी है तो हम यहां पर ये जो डायमेंशन हैं अलग अलग डायमेंशन जैसे कि रोल सेक्शन वाले जैसे टी सेक्शन वाले जो हमारे पास एल सेक्शन है हॉलो सेक्शन है तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन आई कोड के अंदर गिवन है तो उसी के आधार पर जो आपको रेशियोज यहां पर प्रोवाइडेड कि किस एक्सिस हो रही है, और जिस है एक बार अगर आपको बकलिंग क्लास पता चल गई उसके कंपैरिजन में आप इंपरफेक्शन फैक्टर निकाल लोगे इम्परफेक्शन फैक्टर को देखने के बाद आप वहां से उसका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हो कैसे निकालते हैं अभी मैं समझाता हूं इस चीज को बढ़िया तरीके से ठीक है माने कह रहे इसकी ब्राइटनेस

जब हम बातचीत करते हैं सर एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर का तो उसकी बात समझना कि सर आप कंप्रेशन मेंबर का मतलब है, कि ये देखो, ये कोई है, या है अब ये अगर इसमें मतलब हो गया इसके एक्सिस हो गया क्या तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन कंप्रेसिव एक्जल लोड हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लगे हुए हैं इस तरीके से तो इसको अगर हमें डिजाइन करना है तो बहुत क्रिस्टल क्लियर बढ़िया तरीके समझना सुजीत कुमार कह रहे हैं सर इन इनपर्फेक्शन का मतलब क्या है सर इन इनपरफेक्शन का मतलब होता है डियर कमियां सुजीत आप परफेक्ट तो हो नहीं कुछ ना कुछ इंपरफेक्शन आप में भी होंगे इसी तरह से स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर या तो यूनिफॉर्मिटी या स्ट्रेसेस या फिर एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी या फिर आपके पास क्रॉस सेक्शन की नॉन यूनिफॉर्मिटी ऐसी बहुत सारे इंपरफेक्शन होते हैं उन्हीं उन्हीं के उनी को काउंट करके अलग अलग सेक्शन के लिए इम फैक्टर्स बनाए जाते हैं ठीक है वो हमारे पास होते हैं इंपरफेक्शन ठीक है तो यहां पर देखो सर अगर आपको डिजाइन लोड को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे बहुत सिंपल सी अप्रोच है कि सर डिजाइन लोड को यहां कैलकुलेट करना है मतलब डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द एरिया ठीक है तो लोड क्या होता है सर स्ट्रेस इनटू एरिया होता है क्या लोड इज बेसिकली डिजाइन लोड इज बेसिकली स्ट्रेस इनटू एरिया तो सर ये हमारे पास जो होगा ये आपके पास क्या हुआ सर दिस इज बेसिकली और डिजाइन कंप्रेसिव लोड तो सर ये हमारे पास है दिस इज बेसिकली और डिजाइन कंप्रेसिव लोड और ये क्या हो गया सर ये हमारे पास जिसमें आपको बताया था डिजाइन डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस तो सर ये हमारे पास हो जाता है डिजाइन डिजाइन कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये आपके पास हो जाता है सर इफेक्टिव एरिया दिस इज बेसिकली योर इफेक्टिव एरिया ठीक है तो ये हमारे पास हो गया तो लोड क्या हो गया सर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया इस तरह से आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो ठीक है अब यहां देखो सर जब

जब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूं बहुत ही बढ़िया पैरी रॉबर्टसन अप्रोच ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर देखो कि सर एफसीडी एफसीडी इज कैलकुलेटेड एफसीडी इज कैलकुलेटेड एफसीडी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बाय यूजिंग पेरी रॉबर्टसन अप्रोच बाय यूजिंग पेरी रॉबर्टसन अप्रोच तो सर पेरी रॉबर्टसन अप्रोच को हम यूज करके यहां पर एफसीडी को जनरली कैलकुलेट कर रहे होते हैं ठीक है नाम याद रखना है पेरी रॉबर्टसन अप्रोच ठीक है सर अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान समझना सर एफ मतलब डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस तो क्या होना चाहिए ये एफ वाई अपॉन डिवाइडेड बाय फाइव प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ये हमारे पास होना चाहिए एंड दिस शुड भी लेस ये हमारे पास होता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने का तरीका अब यहां पर एफ वाई जो है एफ वाई क्या है सर एफ वाई सबको पता है सर ये इल्ड स्ट्रेस होता है हमारे पास दिस इज बेसिकली ऑर इल स्ट्रेस गामा एम नॉट सबको पता है सर वन पॉइंट वन जीरो होता है ठीक है फाइव यहां पर एक कॉन्स्टेंट है उसकी टेंशन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको भी समझो तो सर ये हमारे पास होता है पॉइंट फाइव इंटू वन प्लस एल्फा लेमडा ई माइनस पॉइंट टू जीरो प्लस लेमडा ई का स्क्वायर ये हमारे पास तरीका होता है फाइव को कैलकुलेट करने का ठीक है दिस इज द वे टू कैलकुलेट द फाइ तो ये हम इस तरह से फाइ को कैलकुलेट करते हैं ये e हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडरनेस रेशियो होता है ठीक है अब ये जो एल्फा यहां पर आप देख रहे हो दिस इज द एल्फा जिसको हम लोग बोलते हैं सर इम परफेक्शन फैक्टर ये होता है जिसको हम बोलते हैं सर इम परफेक्शन फैक्टर दिस इज नोन एज योर इम परशन फैक्टर ठीक है जो हम अलग अलग बकलिंग क्लासेस के ऊपर डिपेंड करेगा तो आप क्या करोगे आप एल्फा निकाल लोगे एल्फा से फाइव निकाल लोगे फाइव से यहां पर आप एफ सी डी निकाल लोगे ठीक है इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं अब समझना यहां पर सर इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि एफ सी डीज बेसिकली साई डिवाइडेड बाय साई मल्टीप्लाई बाय एफ वाई बाय गामा एम नॉट सर अब ये साई si क्या आ गया यहां पर साई si जो होता है आपके पास ये कहलाता है सर स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर क्या कहलाता है ये सर ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर तो यह स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर का मतलब क्या हुआ आपने देखो यहां पर एफ आई अपॉन ग्रामाट को अलग कर दो तो ये वन अपॉन ये पूरा वैल्यू बना है यही हमारा साई होता है तो दिस इज बेसिकली वन अपॉन फाइव प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर बताओ जल्दी से एक एक चीज यहां पर क्लियर है क्या जल्दी से बताएंगे सर सारी बातें यहां पर हमें क्लियर है क्या सारी बातें हमें यहां पर क्लियर है सिंपल सा था सारी बातें यहां पर सर क्लियर है हमें कि क्या होना चाहिए जो लेमडा ई है आपके पास लेमडा ई को आप डिफाइन कैसे करते हो ई को डिफाइन करते हो सर एफ वाई बाई एफ सी आर का अंडर रूट दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडरनेस रेशियो जहां पर ये तो ये स्ट्रेस है और ये हमारे पास, पास क्रिटिकल स्ट्रेस होता है

स्ट्रेस निकालना था एफ वाई एफ गामा एम नॉट निकालना डिवाइडेड बाय फाइव प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर नॉन यूनिफॉर्म रेशियो हमारे पास होता है ये स्ट्रेस अपॉन गामा एम नॉट से कम होनी चाहिए फाइव की वैल्यू क्या होती है दो फॉर्मुला यहां रखने आपको पूरा डिजाइन याद हो जाएगा मतलब पॉइंट फाइव इंटू वन प्लस एल्फा लेमडाई माइनस पॉइंट टू प्लस लेमडाई का स्क्वायर सर ये यह ले क्या है लेमडाई हमारे पास है सर अंडर रूट ऑफ एफ वाई बाई एफ सी आर एफ वाई क्या है

बी की बात करते हैं तो सर पॉइंट थ्री फोर बढ़िया तरीके से याद रखोगे सी की बात करेंगे सर four, nine, और डी की यहां बात करेंगे तो दैट विल बी योर पॉइंट सेवन सिक्स ये चार वैल्यूज जो हैं ये चार वैल्यूज आपको याद रखनी है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक कंप्लीट जो एनालिसिस है वो हमने यहां पर कर लिया है ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं यहां पर ऑल दो ये स्टेप्स आपके डायरेक्टली काम आने वाले नहीं है अभी के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में काम आते हैं लेकिन इन स्टेप्स को अपने नोट्स में जरूर लिख लेना ताकि आपके आगे अगर फ्यूचर में कोई एग्जाम देते हो जहां डिस्क्रिप्टिव काम आता है तो वहां इन स्टेप्स को यूटिलाइज कर सकते हो लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार समझ लो सर हमें क्या करना है डिजाइन स्ट्रेस इन द कंप्रेशन मेंबर उसको हमें अज्यूम करना है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करते वक्त सबसे पहले हम लोग उसका जो स्ट्रेस होता है उसके अंदर उसको अज्यूम करते हैं अब ये डिपेंड करेगा सर हमारे पास कि सेक्शन किस तरीके का है तो देखो अगर आपके पास जो सेक्शन है वो अगर रोल्ड सेक्शन है तो स्लेंडरनेस रेशियो जो आपके पास है वो 70 से 90 के बीच में लाई करता है ये सब आई एस कोड में गिवन है आपको एंड हेंस डिजाइन स्ट्रेस हम एज्यूम करते हैं रोल सेक्शन के लिए 135 न्यूटन पर एमएम स्कोर डिजाइन करते वक्त कुछ चीजें आपको एज्यूम करनी ही पड़ती हैं अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो वहां हमारे पास थोड़ा ज्यादा होता है मतलब 110 से 130 होता है इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रेस हम करके चलते हैं वो 90 के आसपास करके चलते हैं अगर मैं एंगल स्ट्रट की बात करना होता हूं तो ये प्रॉपर रिकमेंडेशन है, ठीक है फॉर कंप्रेशन मेंबर कैनिंग अ लार्ज लोड द स्लेंडरनेस रेशियो इज कंपेटिवली स्मॉल तो अगर लोड ज्यादा है कंप्रेशन मेंबर पर तब भी उसका स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास थोड़ा कम रहता है और उस मेंबर के लिए हम एज्यूम करके चलते हैं लगभग 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर स्ट्रेस आपने एज्यूम कर लिया सर स्ट्रेस एज्यूम कर लिया तो इफेक्टिव सेक्शनल एरिया आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि कॉलम को डिजाइन करना है तो फैक्टर्ड लोड आपको देगा कि किस लोड के लिए आपको डिजाइन करना है ठीक है स्ट्रेस आपने कर लिया वहां से क्या करोगे सर वहां से एरिया निकाल लोगे एक एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है सर हमें वहां से एरिया निकालने के बाद एक सूटेबल सेक्शन को चूज करना है हमारे पास बहुत सारे सेक्शन स्टील टेबल वगैरह में अवेलेबल हैं तो वहीं जो एरिया हमारा किसी पर्टिकुलर सेक्शन से मैच कर जाए तो वैसा एक सूटेबल सेक्शन उठाना है और वहां से हम रेडियस ऑफ को भी निकाल लेंगे तो मतलब सर पहले आपने क्या किया आपने यहां से आर मिनिमम निकाला फिर जो सेक्शन आया उसका एल इफेक्टिव निकाला इन दोनों को यूज करके सर हमने लेमडा निकाला तो हम चेक करते जा रहे हैं कि एक हर एक पैरामीटर पे हमारा जो सेक्शन है वो सूटेबल है कि नहीं फिर कैलकुलेट डिजाइन स्ट्रेस एंड यूज टू कैलकुलेट कैपेसिटी फिर इसी को यूज करके इसी सेक्शन को जो फाइनली आपने सेलेक्ट कर लिया है उस सेक्शन को यूज करके उसका डिजाइन स्ट्रेस हम निकालते हैं और फिर उसकी कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये एक प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को आपको बस नोट डाउन कर लेना है आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा इसको प्रोसीजर को बस एक बार नोट डाउन कर लेना कोई भी एग्जाम जब आप डिस्क्रिप्टिव देने जाते हो किसी भी एग्जाम में वहां पर आपके काफी काम आने वाला है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बहुत अच्छे से कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन कर सकते हो ठीक है सर अब देखो सर कंप्रेशन मेंबर के अंदर हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे

दो कंडीशन पॉसिबल है ध्यान से सुनना इस चीज को दो चीजें पॉसिबल है सबसे पहली चीज पॉसिबल यह है कि सर इस एंगल के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो लोड या तो कॉन्सेंट्रिक होगा मतलब उसके सीधी से पास करता हुआ होगा और या फिर वो लोड आपके पास इसेंट्रिक होगा यही दो तरीके हो सकते हैं इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं होता है तो सर दो तरीके चीजें एक तो कॉन्सेंट्रिक लोडिंग हो सकती है लोडिंग का मतलब हो गया कि जो भी एंगल स्ट्रट आपके पास लगा है मान लो ऐसा वैसा कहीं से भी लगा है तो लोड जो है वो इसके एकदम यहां से पास कर रहा है ठीक है लोड इसके एकदम यहां से पास कर रहा है सीजी बीजी से तो दिस इज बेसिकली ऑर कॉन्सेंट्रेट लोडिंग तो दिस इज बेसिकली ऑर कॉन्सेंट्रेट

थ्रू द एंड गसेट और इसली बाय कनेक्टिंग वन ऑफ इट लेग टू द मतलब या तो आपका कॉन्सेंट्रिकली जाएगा या आपका इसेंट्रिकली जाएगा दो तरीके की बात होती है तो पहला नोट हमें यहां पर ध्यान रखना है ठीक है कैसा सर लोडिंग होगा तो उसको एक्जैक्टली exactly वैसे ही डिफाइन करेंगे या वैसे ही डिजाइन करेंगे जैसे अभी हमने कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन किया था तो वही आपको एफसीडी निकालना है एफसीडी निकाल के पेरी रॉबर्ट अप्रोच लगानी है सेम मैथड आपको फॉलो करना है जैसा एक्चुअली लोडेड में आपने फॉलो किया अगर सर लोड हमारे पास इस्ट्रिक आ जाता है तो होता क्या है सर इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से सीधी सी बात है के इंक्लूड होने जा जाएंगे, और जब भी कॉलम के अंदर हम बेंडिंग वगैरह की बातें करते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर एक तो को कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है जब हमारे पास लोड इस होगा लोड इस्ट्रिक होने का मतलब सर लोड इस होने का मतलब है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपके पास मान लो एंगल स्टार्ट होगा तो ये इसका एक्सिस है जो इसके सेंट्रोइड से पास कर रही है तो लोड हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे लग रही हो जो कि e दूर है और यहां पर इसमें load, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह की होती है अब की से, मैंने आपको बताया था क्या अलग होगा सर ई की जो कैलकुलेट करने का तरीका है ये बदल जाएगा आपका ठीक है लेमडाई वैसे कैसे निकाल रहे थे अंडर रूट ऑफ एफ वाई बाई एफ सी आर करके अब ये तरीका यहां बदल जाएगा और ये डिपेंड करेगा सर कैसे देखो यहां पर लेमडा ही हमारे पास बन जाता है अंडर रूट ऑफ के वन जो एक कॉन्स्टेंट है प्लस के टू लेमडा प्लस के थ्री लेमडा फाइव अब यहां के वन के टू के थ्री जो है, है जो कि एंड कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि सर हमारे पास एंड कंडीशंस कैसी हैं उसके आधार पर डिपेंड करने वाले हैं तो ये एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है इसमें के वन के टू के थ्री की वैल्यूज को याद रखना है ठीक है इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है समझना है चीज को अब सर लेमडा वीवी कैसे निकालोगे लेमडा है एल अपॉन आर वी, वी एपसाइलन, ये एप्साइल कहलाता है माइनर सेंटर सेंटर, एक्सिस के अबाउट एफ वाई हमारे पास हो गया स्ट्रेंथ के बराबर का ये वाली बात ध्यान रखनी है एक फॉर्मूला और है लेमडा फाइव का जो होता है सर बी वन प्लस बी टू बाई टू टी और पाई स्क्वायर ई बाय अंडर रूट ऑफ 250 250 अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर ई बाय ठीक है तो ये कुछ कोडल डायरेक्ट बामेंडेशन लेकिन यहां पर फॉर्मुले मैं फिर बता रहा हूं इस फॉर्मुले को सीबीटी वन के अकॉर्डिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है मैं तो आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा ही समझा रहा हूं तो इस ध्यान रखना इसको बस नोट डाउन करके रख लेना लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लोडेड जब होता है तो हमारे पास लेमडा जो है वो अलग तरीके से कैलकुलेट होता है और अलग तरीके का मतलब यह है कि सर को कैलकुलेट करने में हमारे पास तीन constants और आ जाते हैं इज एंड जो डिपेंड किस पे करते हैं वो जो डिपेंड करते हैं आपके एंड कंडीशन पर यहां से आपका जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो यहां पर शुरू हो सकते हैं ठीक है थीके? तो ये आपको कोई डिजाइन करने को देगा नहीं एग्जाम में लेकिन स्टेटमेंट में जरूर आपसे पूछा जा सकता है इस चीज को ध्यान रखना अब सर यहाँ पर सर के वन के टू की वैल्यू कैसे याद रखनी है देखो यहां पर के वन के टू जो है जो डिपेंड कर रहे थे सर एंड कंडीशन पर उनको आपको कैसे याद रखना है समझना यहां पर अगर नंबर ऑफ बोल्ट हर एक एंड कनेक्शन पर दो या दो से ज्यादा है अगर नंबर ऑफ बोल्ट एंड कने, जहां कनेक्ट हो रहा है उस एंड कनेक्शन पर अगर नंबर ऑफ बोल्ट दो है या दो से ज्यादा है और जो गसेट या कनेक्टिंग मेंबर की फिक्सिडिटी की बात कर रहे हैं मतलब समझना यहां पे कि सर ये मान लो एक गसेट प्लेट आपने ली एक एंगल आ रहा है वो यहां से आके कनेक्ट हो रहा है एक एंगल आ रहा है वो यहां से कनेक्ट हो रहा है ये कनेक्टिंग मेंबर हो गया गेट आपका ठीक है ये कनेक्टिंग मेंबर हो गया तो अब ये जो एंगल है आपके पास यहां पर और इन दोनों पे लोड कैसी लग रही होगी सर इन दोनों पे लोड लग रहा होगा सेंट्रिक लोडिंग तो यहां पर देखोगे अगर इसकी फिक्सिडिटी अगर इसकी फिक्सिडिटी मतलब ये अगर फिक्स्ड है अगर फिक्स्ड है तो के वन की वैल्यू सर हमें पॉइंट टू लेनी है के टू की वैल्यू पॉइंट थ्री फाइव लेनी है और के थ्री की वैल्यू ट्वेंटी लेनी है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यही कंडीशन से आपको अलग अलग जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाकी कंडीशन से नहीं पूछे जाते लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको याद नहीं रखना है आगे वाली चीजों को भी आपको ये कंप्लीट टेबल ही याद रखनी है सर अगर ये हिंज होता कनेक्शन तो हमारे पास इसी को हम लोग पॉइंट इसी को हम लोग पॉइंट और इसी को हम लोग फाइव के आसपास कंसिडर करके चलते तो के वन के टू के थ्री किस पे डिपेंड कर रहा है यहां पर एंड कंडीशन के ऊपर आपके पास डिपेंड कर रहा है सिमिलरली अगर नंबर ऑफ बोल्ट आपका एक ही है सिंगल नंबर ऑफ बोल्ट है और वो फिक्स कंडीशन आ रही है तो सर पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट थ्री फाइव और ट्वेंटी हमारे पास होता है हिंज के केस में वन पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव और सिक्सटी तो दिस टेबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सीबीटी वन पर्पजेज उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम बात क्लियर सर यहां तक की बात है कि एंगल स्ट्रट में हमने कॉन्सेंट्रिक लोडिंग हो गई साथ साथ इसेंट्रिक लोडिंग हो गई दोनों में क्या अंतर आता है दोनों के बारे में आपको बता दिया है डिजाइन ऑफ एंगल स्ट्रट के अंदर अब देखो जो आपके सीबीटी वन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहां से शुरू हो जाता है दैट इज योर डिजाइन ऑफ बिल्टअअप कॉलम्स अब एक बात मुझे जल्दी से बताओ कि बिल्ट अप कॉलम का मतलब क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ट अप कॉलम जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे सर बिल्ट अप कॉलम का मतलब होता क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ बिल्ट अप कॉलम जल्दी से बताओ और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और जो भी मैंने आपको पूरे कोर्स में जो भी ये पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है स्टील का हर जगह मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज कहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहीं से आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है टू और मोर स्ट्रक्चर से कंबाइंड होकर बनना बिल्कुल करेक्ट बात है हर्षित और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही करें ध्यान से देखना यहां पर जैसे अगर मैं बात करता हूं कि सर मेरे पास ये आई सेक्शन है ठीक है मैंने बोला सर ये आई सेक्शन है और ये कुछ इस तरीके का मेरा आई सेक्शन आपके पास है ठीक है अब आपने क्या किया एक सिंगल एलिमेंट था लंबा सा उसमें से आपने ये आई सेक्शन निकाल दिया इस तरीके से मतलब एक सिंगल सेक्शन में से निकाल दिया तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चर आपने किया तो दिस इज बेसिकली और रोल्ड सेक्शन इसको हम बोलते हैं सर रोल सेक्शन ये सर, आप सब लोग जानते हो इस बात को दिस इज नोन एज योर सेक्शन सेक्शन का मतलब क्या होगा कि सर जब आपने ये ऊपर वाला जो फ्लेंज है ये आपने लगाया फिर आपने सर ये वेब लगाया और फिर आपने सर ये फ्लेंज लगाया और अब जाके ये मेंबर को आपने बना दिया तो दिस इज बेसिकली नोन एज यूर बिल्टअप सेक्शन ये हमारे पास सर क्या कहलाता है ये हमारे पास कहलाता है बिल्टअप सेक्शन ठीक है अब सेक्शन में भी बिल्टअप सेक्शन में भी आप क्या करते हो सर आप यहां पर बिल्टअप में भी एक से ज्यादा मेंबर्स को कर रहे होते हो जैसे की, जैसे की, देखो ना पर, जैसे कि 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 ध्यान से समझना यहां पर अगर मैं क्या करूं सर अगर मैं यहीं पर अगर मैं यहीं पर ये जो आई सेक्शन आपने एक लिया है और अगर एक और आई सेक्शन हमने ले लिया है तो देखो सर दो मेंबर्स हम यहां पर ले चुके हैं अब इन दो मेंबर्स को मैं कंबाइन करके इन दो मेंबर्स को मैं कंबाइन करके अगर एक सिंबल सिंगल मेंबर बना देता हूं तो सर ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये मेरे पास बन जाएगा एक बिल्टअप कॉलम ठीक है ये मेरे पास बन जाएगा एक बिल्टअप सेक्शन तो दिस इज बेसिक बिल्ट बिल्टअप सेक्शन दिस इज बेसिकली और बिल्ट बिल्टअप सेक्शन तो ये हमारे पास बिल्टअप सेक्शन होता है इस तरीके से तो हमने क्या किया सर दो सेक्शन को एक ही और एक ही है. सर दो सेक्शन को एक साथ कंबाइन करने से हुआ क्या है सर एक तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी ठीक है लोड कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी ओवरऑल और आपकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव होगी ये बात ठीक है एक से भले दो होते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो कि दोनों की प्रॉपर्टीज को हम अच्छे तरीके यूटिलाइज कर पाएंगे दूसरी बात ये होती है सर हम यहां पर जब एक के साथ हम एक और मेंबर को आपस में जोड़ लेते हैं तो सर वहां पर हम कभी कभी सिमिट्री भी प्रोड्यूस कर पा रहे होते हैं जैसे कि समझना इस चीज को कि अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करता तो सर एक एक्सेस हमारे पास ये आ रही है और एक एक्सिस सर हमारे पास ये आ रही है कुछ इस तरीके से ठीक है सर ये हमारे पास इस तरह से आ रही है तो यहां पर देखो यहां पर सर आपके पास कोई एक एक्सिस होगी फॉर एग्जाम्पल ये वाई वाई एक्सिस है और फॉर एग्जाम्पल जैसे, जैसे भी है तो किसी एक एक्सिस के अबाउट यहां पर आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी और जनरली सर वो हमारे पास वाई एक्सिस होती है तो यहां पर आपके इसके अबाउट आपको ये डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन किस तरह से बहुत चीजों पे तो वीकर एक्सिस जो होगी दोनों में से उसके अबाउट आपका स्ट्रक्चर बेंड कर रहा होगा अब यहां पर जब हमने इन दोनों को कंसिडर कर लिया है तो यहां से ध्यान से देखो कि सर जब हम इन दोनों कंसिडर करते हैं और अब आपके पास जो सी जी सेक्शन का आएगा वो यहां पर आएगा तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट हम क्या कर पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर को इक्वली स्ट्रांग कर पा रहे हैं क्या कर पा रहे हैं सर दोनों एक्सिस के अबाउट हम लोग इस स्ट्रक्चर को इक्वली स्ट्रांग कर पा रहे हैं और यही वन ऑफ द रिकमेंडेशन भी होती है क्यों हमें बिल्टअप सेक्शन प्रोवाइड करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कंप्लीट आपका बिल्टअप सेक्शन है उसका जो सेंट्रोइड है उस सेंट्रॉइड से जो एरियाज हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो मतलब एरिया सफिशियंट दूरी पे डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि उससे होगा क्या उससे ये होगा कि सर आर की जो वैल्यू आएगी रेडियस ऑफ जयरेशन वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी जितनी ज्यादा रेडियस ऑफ जयरेशन की वैल्यू आएगी उतना इस पूरे बिल्ट अप सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, की वैल्यू आएगी जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी उतना ज्यादा सर हमारे पास सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आएगी जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा हमारे पास सर यहां पर इस स्ट्रक्चर की बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर कॉलम को बेंडिंग में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास हमने एक तरीका निकाला कि हम एक से ज्यादा दो सेक्शंस को आपस में किसी भी तरीके से ज्वाइन करेंगे और इस तरह से मेंटेन रखेंगे कि वो हर एक एक्सिस के अबाउट इक्वली स्ट्रांग हो उस तरीके के कॉलम्स को हम लोग बिल्टअप कॉलम्स कहते हैं और ये आपके आपके पास किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है तो जैसे देखो आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे या फिर कभी बाहर ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जहां पर आपने देखा होगा सर ये दो कॉलम्स हैं जैसे इस तरह से और ये आपस में कनेक्टेड है इनको बोलते हैं लेसिंग्स तो ये जो आप देख रहे हो यहां पर दिस इज बेसिकली नोन एज योर लेसिंग्स दिस इज बेसिकली नोन एज योर लेसिंग्स और ये जो आप यहां पर स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको हम लोग बोलते हैं सर बैटन्स ज बेसिकली नोन एज बैटन तो ये आपका लेसिंग हो गया और ये आपके बैटन हो गए. ये दो एलिमेंट्स हैं जो हमें यहां पर यूज करके चलने हैं। अब एक चीज यहां पर और समझना सर, किस तरीके से यहां पर बातचीत हो रही है देखो एक सर हमारे पास होता है लेसिंग जो कि दो एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है ध्यान समझना इस चीज को कि सर जैसे कि जैसे कि हमारे पास ये मान लो एक चैनल सेक्शन है इस तरीके से ठीक है और सिमिलरली सिमिलरली मैंने ये कह दिया सर यहां पर भी हमारे पास क्या है यहां पर भी हमारे पास एक चैनल सेक्शन है कुछ इस तरीके से अब इन दोनों ही चैनल सेक्शंस को आप क्या कर रहे हो सर आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे तो इसको आपने अरेंज किया ऐसे और अब आप इसको आपस में कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो ये कॉलम से समझ पा रहे हो ये एक चैनल मेंबर हो गया और ये भी चैनल सेक्शन हो गया अब यहां से देखो सर यहां से ये और यहां से ये इसकी एक्सिस हो गई अब हमने क्या किया है हम अगर यहां पर क्या करें सर कि इस तरीके से इस तरीके से एलिमेंट्स को लगाते हैं तो आपने इसको कनेक्ट किया ऐसे ठीक है उसके बाद देखो सर यहां पर यहां आपने इसको कनेक्ट किया है अब मैं समझा रहा हूं यहां पैटर्न कैसा है समझना ध्यान से इस पैटर्न को अब तीसरा सर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है ठीक है ये कुछ इस तरीके से अब देखो जब आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे होंगे और ये लेसिंग्स होंगी हमारे पास तो सर लेसिंग्स में क्या होगा कि सर यहां पर आपने किसी पर्टिकुलर बोल्ट से इसको कनेक्ट किया होगा बिल्कुल ठीक है यहां पर भी इसको आपने किसी पर्टिकुलर बोल्ट से कनेक्ट किया होगा यहां पर भी आपने कनेक्ट किया होगा इसको और यहां पर भी कनेक्ट किया होगा अब जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है बेसिकली इसको हम बोलते हैं सिंगल इंटरसेक्टिंग लेसिंग्स ठीक है क्या बोलते हैं सर इसको इसको हम बोलते हैं सिंगल इंटरसेक्टिंग लेसिंग क्योंकि यहां पर देखो ये दो ब्लेसिंग जो है वो यहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इसको बोला जाता है सर सिंगल सिंगल इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लेसिंग सिस्टम सिंगल इंटरसेक्टिंग लेसिंग सिस्टम ठीक है ये इसको बोला जाता है अगर यहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट होता सेपरेट होता का मतलब सर सेपरेट का मतलब ये आपस में यहां पर किस तरह से होता ध्यान समझो यहां पर कि सर अगर ये लेसिंग कुछ ऐसे होती अगर ये लेसिंग्स कुछ इस तरीके से होती यहां पर कि सर ये ऐसे कनेक्टेड है ये ऐसे कनेक्टेड है ठीक है और उसके बाद ये वाला ऐसे कनेक्टेड है तो मान लो अगर ये सेपरेट इस तरह से होता अगर ये ऐसे कनेक्टेड होता मतलब एक बोल्ट यहां है एक बोल्ट यहां पर लगा हुआ है एक ही अलग लगा हुआ है सर ये बोल्ट यहां है ये बोल्ट यहां है और ये बोल्ट यहां है तो कोई भी मेंबर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो यह जो सिस्टम हमारे पास होता है यह होता है सर सिंगल नॉन इंटरसेक्टिंग लेसिंग सिस्टम क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं सिंगल नॉन इंटरसेक्टिंग लेसिंग सिस्टम लेसिंग सिस्टम ठीक है तो यह हमारे पास होता है तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया ये इंटरसेक्टिंग लेसिंग सिस्टम हो गया ये बात यहां तक तो हमें क्लियर हो गई सर इसके बाद देखो अगर मैं बात बताता हूं सर इसमें कि अगर आपने क्या किया होगा अगर आप में इसी में एक लेसिंग ऐसे भी स्टार्ट हो जा रही है जैसे देखो नेक्स्ट पे डायग्राम बना के बताता हूं बढ़िया तरीके से और बेटर क्लियर होगा जैसे सर अगर मैं ये चैनल सेक्शन फिर से उठा लू ऐसे तो ये आपने चैनल सेक्शन उठाया ऐसे और सिमिलर चैनल सेक्शन आप यहां से भी उठा सकते हो तो सर ये हमारे पास एक चैनल सेक्शन यहां से भी आ गया ठीक है ये चैनल सेक्शन आपके पास यहां से भी आ गया अब देखना क्या हो रहा है यहां पे अब आपने इन दोनों को अरेंज किया है कुछ इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया है और ये जो सिस्टम हमारे पास आया ये आप दो कॉलम्स को आपस में क्या कर रहे हो एड ऑन कर रहे हो और यहां से आप देखोगे कि सर अब हमारे पास लेसिंग किस तरह से है अगर आपके पास लेसिंग कुछ इस तरह से हुई जैसे एक आपके पास ये हो गई एक सर हमारे पास ये हो जाती है ठीक है ये हो जाती है एक सर हमारे पास ये हो जाती है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो जाती है ठीक है ये हो जाती है इसके अलावा इसके अलावा अगर हमारे पास सर यहां से अगर हमारे पास सर यहां से एक और लेसिंग सिस्टम है जो ऐसे स्टार्ट हो रहा है ठीक है एक लेसिंग सिस्टम है सर जो ऐसे स्टार्ट हो रहा है समझ पाओगे एकदम डायग्राम इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि सर यहां से चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और एक लेसिंग सिस्टम आपका कुछ इस तरीके से हो रहा है ठीक है ये लेसिंग सिस्टम मान लो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है ये कुछ इस तरीके से तो अब यहां पर आप समझ पा रहे हो सर इसको क्या बोला जाता है अब देखो यहां पर ये यहां से कनेक्टेड है तो सर ये यहां से कनेक्टेड है ये यहां से कनेक्टेड है ये यहां से कनेक्टेड है ये इधर कनेक्टेड है ये इधर कनेक्टेड है ये इधर कनेक्टेड है ये आगे भी हो सकता है कंटिन्यू हो रहा हो इस तरीके से अब यहां बस अंतर देखना अगर मैं बोलता हूं दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ए वन है ये लेसिंग के बीच की डिस्टेंस अगर ए वन है सिंगल के अंदर तो सर डबल के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी वो उसी सिंगल की क्या होगी सर हाफ हो जाएगी तो दैट इज दिस इज बेसिकली ए वन बाई टू और सर ये भी हमारे पास ए वन बाई टू तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल लेसिंग इंटरसेक्टिंग सिस्टम क्या बोला जाता है इसको इसको हम बोलते हैं सर डबल लेसिंग डबल लेसिंग इंटरसेक्टिंग सिस्टम डबल लेसिंग इंटरसेक्टिंग सिस्टम ये नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकता था वो आप समझ जाते हो वो बेसिकली कि अगर यहां पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता तो इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग सेक्शन भी बोल सकते थे तो दोनों बातें बातें हमें यहां पर एकदम क्लियर हो जाएंगी ठीक है सर अब दो और ध्यान रखना कि जैसा आप इंटरसेक्टिंग सिस्टम आगे प्रोवाइड कर रहे हो वैसा ही सिमिलर आपको पीछे की तरफ भी प्रोवाइड करना है मतलब सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि लेसिंग सिस्टम हमारे पास जो है लेसिंग सिस्टम शुड बी लेसिंग सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्मिली प्लेस्ड एक तो आपके पास यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होना चाहिए मतलब इट शुड भी यूनिफॉर्मली प्लेस्ड एंड एंड मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज शुड बी कंसिडर्ड कंसिडर्ड एट द बैक मतलब इसी की एकदम एग्जैक्ट मिरर इमेज पीछे भी कंसिडर होनी जैसा यहां दे रखा है वैसा का वैसा पीछे होना चाहिए और यूनिफॉर्म भी मेंटेन होना चाहिए मतलब अगर ये डिस्टेंस एवन है तो सर ये डिस्टेंस भी हमारे पास एवन होगी इस तरह की यूनिफॉर्मिटी हमें मेंटेन करके चलनी है तभी अगर हम यूनिफॉर्मिटी अगर हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलते हैं तब हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है बिल्कुल नॉन मिरर इमेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो मिरर इमेज हमारे पास होनी चाहिए यह भी हो सकता है स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाए और हमारे पास यूनिफॉर्मली प्लेस भी होना चाहिए यह भी हो सकता है स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाए अब कुछ रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी अगर क्लियर हो गई है तो एक बार हार्ट का सिंबल बना के बता दो सर कि हाँ यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई है जितना आपने समझाया है लेसिंग्स और बैटर्न के बारे में या बिल्टअअप सेक्शन के बारे में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक यहां तक का पार्ट है पहले इसको समझना कि ये होता क्या है उसके बाद इसके जो रिकमेंडेशन हैं उनको याद रखना वो भी इक्वली हमारे पास इंपॉर्टेंट है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ सर हां यहां तक की बातें सर हमें एकदम क्लियर है अब हम आगे की तरफ बढ़िया तरीके से प्रस्थान कर सकते हैं ठीक है सर देखो यहां पर ओके बहुत ही बढ़िया ऑल क्लियर है सर एकदम ठीक है सर अब यहां पर देखो यहां पर देखो कि सर द लेसिंग शुड बी डिजाइन टू रजिस्टर लेसिंग सिस्टम पर ये जो लेसिंग सिस्टम है इसी किसी particular lacing system पर जब हम लोग एक ट्रांसफर लोड लगाते हैं दिस इज द ट्रांसफर्ड लोड ठीक है अगर हम ट्रांसफर्ड लोड लगाते हैं तो ये जो ट्रांसफर्स लोड है ये आपके पास उस सिस्टम में इस पर्टिकुलर लेसिंग के अंदर एक्जन, एक्जियल लोड ट्रांसफर हो रहा होता है यही आपके पास एक्जन, एक्जियल लोड यहां पर ट्रांसफर हो रहा होता है तो यहां पर एक बात समझना कि सर ये कितना कितना लेगा मतलब कितना लोड को रजिस्ट करेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है बहुत बार एस में क्वेश्चन आया सेकेंड देखो सर अगर मैं सिंगल लेसिंग की बात करता हूं जो आप समझ गए सिंगल लेसिंग होता क्या है ठीक है सिंगल लेसिंग होता क्या है तो डिजाइन कंप्रेशन डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास जो आता है तो ये फोर्स हमारे पास होता वी बाय मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ठीक है ये हमारे पास होगा बाय sin टीटा फॉर सिंगल लेसिंग एंड v बाय sin theta फॉर डबल लेसिंग ये formula बस आपको याद रख लेना है फोर्स का इसको आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो फोर्स triangle से बहुत easily इसको निकाल सकते हो यहीं पे consider करके स्पेसिंग वगैरह को देख के और एंगल्स को देख के ठीक है जब हम लेसिंग्स की बात करते हैं तो सर एंगल आपके पास ये इसी का वर्टिकल एक्सिस और इसके इस एक्सिस के बीच का वो एंगल है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं मतलब सर कहने का मतलब है कि ये इसके लेसिंग के ये अंदर वाला एंगल है और ये इसका जो वर्टिकल एंगल है इसी के बीच में ये आवा, वाला एंगल जो आता है इससे आप एक ट्रायंगल फॉर्मेशन देख सकते हो और बहुत इजीली यहां से वो कैलकुलेट कर सकते हो आई एस कोड क्या सजेस्ट करता है टू इंक्रीज स्लेंडरनेस रेशियो बाय फाइव परसेंट ये मैंने आपको एल इफेक्टिव के टाइम पर बताया था शायद कि सर जब हमारे पास एल इफेक्टिव लेंथ जो होती है इसको हम पांच परसेंट से इंक्रीज करके चलते हैं अगर हमने स्ट्रक्चर के अंदर लेसिंग्स को यूज किया है तो और इसी लेंथ को हम लोग दस परसेंट से इंक्रीज करके चलेंगे अगर सर हम लोग यहां पर बैटन्स को यूज करते हैं तो तो लेसिंग को जब यूज करते हैं ना फाइव परसेंट का हम लोग क्या करके चलते हैं फाइव परसेंट से हम लेंथ को बढ़ा के चलते हैं इंक्रीज करके चलते हैं और बैटर्स के अंदर इसी लेंथ को हम लोग दस परसेंट से इंक्रीज करके चलते हैं तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो बेसिकली पांच परसेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा तो क्योंकि एल इफेक्टिव पांच आपका इंक्रीज हो रहा है तो लेमडा जो होता है वो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम तो सर यहीं पर वन ये आप कर लेते हो तो पांच परसेंट आपने क्या किया इसको इंक्रीज कर दिया किसमें लेसिंग्स के अंदर सबसे पहली बात करस्पोडिंग टू बस एन एफ वाई वी कैलकुलेट दी डी फ्रॉम द कोड ठीक है एंड द ऑफ लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन थ्री टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बोल्ट ऑफ रिवेट मतलब यहां पर समझना सर यहां पर समझना सर कि सर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक लेसिंग है ठीक है ये मेरे पास एक लेसिंग सिस्टम है इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेंथ हमारे पास होगी इसकी ये कुछ न कुछ विथ हमारे पास होगी और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हमारे पास होगी ठीक है अगर मैं ये कहता हूं कि सर इसमें आपने इसको कनेक्ट किया है और ये डाया हमने यहां पर ले लिया कुछ बोल्ट का अब जो भी बोल्ट का डाया आपने यहां पर कंसिडर किया है जो भी बोल्ट का डाया आपने यहां पर कंसिडर किया है जो विर्थ आप लेते हो वो इस बोल्ट डाया के तीन गुना से कम नहीं होनी चाहिए वो इसके तीन गुना से कम नहीं होनी चाहिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है तो थ्री टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बोल्ट और रिवेट उससे कम तो नहीं होना चाहिए तो अगर डायमीटर ये बीस का है अगर ये डायमीटर आपको बीस एम mm दे रखा है इसका मतलब है कि सर जो विथ हमारे पास है वो 60 एम mm एम से तो कम नहीं होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 60 एम एम ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे तब और बेटर क्लियर हो जाएगा विथ की बात समझ में आ गई सर जब हम थिकनेस की बात करते हैं मतलब इस थिकनेस की जब बात करते हैं तो थिकनेस में दो क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं अगर सिंगल लेसिंग सिस्टम है और अगर आपके पास डबल लेसिंग सिस्टम है तो सर इस वाले केस में अगर सर हमारे पास सिंगल लेसिंग सिस्टम होता है तो ये थिकनेस है दिस शुड नॉट बी लेस देन ऑफ द इफेक्टिव लेंथ वन बाय फोर्टी ऑफ द इफेक्टिव लेंथ से कम नहीं होना चाहिए अगर वो सिंगल लेसिंग आए तो ये फैक्टर भी याद रखना सिमिलरली सर अगर ये डबल लेसिंग हमें देखने को मिलता है तो, तो दिस शुड नॉट बी लेस देन ऑफ द दे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द इफेक्टिव लेंथ से हमारे पास कम नहीं होना चाहिए यही फैक्टर यही यह आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है ठीक है ये भी बातें आपको एग्जाम में पूछी जाती है सर तो ये हो गया 140 वाला हो गया 160 वाला हो गया देखो मेंबर शुड बी अरेंज सो दैट बोथ द एक्सिस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग मेंबर को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों एक्सिस बराबर स्ट्रॉन्ग हो मतलब क्या हुआ इसका कि ये स्कोर सर ये बोलता है आपको कि जब हम लोग रेडियस ऑफ तो 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 इसको अगर आपको बराबर करना है तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस अबाउट इक्वल कर दो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दोनों एक्स इक्वल कर दो तो आप ये वाली कंडीशन अचीव कर सकते हो और ये कंडीशन सर हम अचीव करना क्यों चाहते हैं हम अचीव इसलिए करना चाहते हैं ताकि दोनों एक्सिस कॉलम है, है वो बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्टेरली रेशियो कंपोनेंट मेंबर शुड बी लेस देन पॉइंट सेवन टाइम देखो कभी कभी क्या होता है जब भी हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो समझना इस चीज को कि सर मान लो ये एक कॉलम था मान लो ये एक कॉलम है इस तरह से ठीक है ये जो दो कॉलम हमने लिए तो किसी पर्टिकुलर कॉलम में अब यहां पर आपने ये लेसिंग लगाई होगी यहां आपने लेसिंग लगाई कनेक्ट करने के लिए ये लेसिंग लगाई सर ये लेसिंग लगाई ठीक है तो हो सकता है कि सर जब आप लोड लगा रहे हो इसके ऊपर तो जो लेसिंग का कंपोनेंट है ये लेसिंग का कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाए सर ये लेसिंग का कंपोनेंट हमारे पास यहां बकल कर जाए तो लेसिंग का कंपोनेंट अगर बकल कर गया तो ओवरऑल आपका जो पूरा कॉलम है उसमें भी स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट आ जाएगा उसमें भी स्ट्रेन में डिक्रीमेंट आपको देखने मिलेगा तो ये जो कंपोनेंट है लेसिंग का इसको बचाने के लिए हम इसका जो स्लेंडरनेस स्लेंडरनेस रेशियो रेशियो लेते लेते हैं हैं ऑफ द कंपोनेंट 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 ये जो जो तो यहां पर यहां पर पर देखो दिस होता है शुड बी लेस देन पॉइंट सेवन मतलब ये कम होना चाहिए पॉइंट सेवन टाइम्स ऑफ लेमडा ऑफ द होल इससे कम होना चाहिए और साथ साथ ऑल्सो इट शुड बी लेस देन फिफ्टी तो लेमडा कंपोनेंट अगर हमारे पास इस क्राइटेरिया को फॉलो करे तब वो वहां पर ये वाली जो बकलिंग है पर्टिकुलर कंपोनेंट की इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ रिकमेंडेशन हमारे पास होती हैं जिसमें से थिकनेस की हो गई सर विथ की रिकमेंडेशन हो गई ये बराबर होना चाहिए यहां पर लेमडा कंपोनेंट हमारे पास पॉइंट सेवन ऑफ द लेमडा होल या फिर लेस देन पचास आपको देखने को मिलना चाहिए एकदम बात क्लियर है सर तो ये कुछ रिकमेंडेशन हमारे पास लेसिंग्स की होती है अच्छा सर जब हम सिमिलर बात करते हैं और सिमिलर टर्म्स पे बात करते हैं ठीक है सिमिलर टर्म्स पे जब हम बातचीत करते हैं और बोलते हैं सर बैटन्स के बारे में तो बैटन्स में भी इसी तरीका सिस्टम होता है हमारे पास कि जब आप बैटन्स को प्रोवाइड करते हो तो बैटन्स के अंदर सर हमारे पास जैसा आपने आगे प्रोवाइड किया वैसा ही पीछे प्रोवाइड करना है मतलब बैटन्स में भी आपको मिरर इमेज प्रोवाइड करनी है साथ ही साथ बैटन्स के अंदर सर आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी मतलब स्पेसिंग को यूनिफॉर्म रखना है और बैटन में आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो समझना है इस चीज को कि सर फॉर एग्जाम्पल ये एक चैनल सेक्शन है और ये एक चैनल सेक्शन है ठीक है तो मान लिया ये कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है अब इनको आप बैटन से अटैच कर रहे हो तो जब इसको बैटन से अटैच करोगे जब इसको बैटन से अटैच करोगे तो सबसे पहले एक आप बैटन यहां लगाते हो ठीक है एक आप बैटन यहां लगाते हो ये जो बैटन आपने सबसे पहले यहां पर लगा दिया है वो हमारे पास कहलाता है सर एंड बैटन क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं सर एंड बैटन सिमिलरली यहां पर जब बीच में आप लोग लगाते हो किसी पर्टिकुलर बैटन को इसको बोला जाता है सर इंटरमीडिएट बैटन क्या बोलते हैं इसको दिस इज बेसिकली नोन एज योर इंटरमीडिएट बैटन ठीक है अब इन्हीं के अरेंजमेंट्स वगैरह की बात करेंगे तो एकदम जैसा आगे प्रोवाइड किया है वैसा पीछे प्रोवाइड करना है बहुत सारे जो इसके रिकमेंडेशन है वो लेसिंग्स के समान ही है लेसिंग के जैसे ही है जैसे बैटन शुड बी प्रोवाइडेड सिमेट्रिकली पहली बात तो एकदम क्लियर है सर जितना आपने यहां से यहां ये यह डिस्टेंस लिया होगा नेक्स्ट बैटर्न जो आप प्रोवाइड करोगे सर वो भी आप उतने ही डिस्टेंस पे प्रोवाइड करोगे सिमेट्रिकल प्रोवाइड करना है हमें दूसरा देखो प्लेस अपोजिट टू ईच एंड ऑफ द मेंबर एंड एट पॉइंट वेयर द मेंबर इज स्टेड इन लेंथ एज फार एज प्रैक्टिकेबल ये यूनिफॉर्मली मतलब ये जो स्पेसिंग है ये इसकी स्पेसिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट ये इस वाले का मतलब है बेसिकली नंबर ऑफ बैटन शेल बी सच दैट कि कि देखो का का क्या मतलब मतलब होता है हमारे मतलब पास पास ये ये हो 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 गया 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 सर से से तो minimum आपके पास तीन बेस बनने चाहिए किसी के अरेंजमेंट में उतना हमें यहां पर ध्यान रखना है ठीक है ये बात क्लियर हो गई बैटन आपका प्लेट एंगल चैनल ये सब हो सकते हैं जो कि एंड्स के बोल्टेड है सिमिलर देखो सर जो रिकमेंडेशन यहां पर बताई थी कि दोनों एक्सिस हम चाहते हैं कि दोनों एक्सिस के बोर्ड हमारे पास जो लेसिंग होती है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग हो तो बैटन के अंदर भी बैटन के अंदर भी हमारे पास दोनों तरह की क्या होती है दोनों तरह की दोनों एक्सिस के अबाउट भी आपके पास क्या होने चाहिए, सर? होने चाहिए ये वाली बात भी हमें यहां पर इस पर्टिकुलर में क्लियर हो जाती है नेक्स्ट पे आ जाओ जब इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो लेते हैं बैटन का तो यहां पर समझना जो मैंने आपको रिकमेंडेशन बताई थी किसकी कि लेसिंग के टाइम पे पांच इंक्रीज करते थे बैटन के टाइम पर ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है सर इसको आप कितना 10 परसेंट से इंक्रीज कर देते हो मतलब मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वन जीरो से आप इसको इंक्रीज करते हो क्यों करते हैं मैं बता चुका हूं शायद पहले आपको क्यों करते हैं इसको 1.1 से टू अवॉइड टू अवॉइड टू अवॉइड शियर डिफॉर्मेशन टू अवॉइड शियर डिफॉर्मेशन शियर डिफॉर्मेशन अवॉइड करने के लिए किसका ऑफ द कॉलम तो कॉलम का शेयर डिफॉर्मेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको 10 परसेंट से इंक्रीज करते हैं और लेसिंग के अंदर 5 से इंक्रीज करते हैं तो इन डिफॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं इस बात को भी हमें सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना है तो यह वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया अब देखो वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द बैटन मेजर्ड एज सेंटर टू तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एंड कनेक्शन ऑफ द दूटिव बैटन शेल बी सच दैट स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट जब हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट का जो क्राइटेरिया हमारे पास है वो एग्जैक्टली exactly वैसा ही है जैसा कि लेसिंग्स के अंदर था मतलब किसी पर्टिकुलर बैटन में अगर आपको उसकी बकलिंग के बारे में ध्यान रखना है कंपोनेंट का तो लेमडा कंपोनेंट जो हमारे पास है वो आपके पास पॉइंट टाइम्स ऑफ लेमडा होल इससे कम होना चाहिए और साथ ही साथ 50 से कम होना चाहिए तो यह के केस में भी एप्लीकेबल है और यही आपके पास लेसिंग के केस में भी एप्लीकेबल था तो यह तो सेम ये जो पूरा लिखा हुआ वो एक ही चीज लिखी हुई है सिमिलरली ये देखो अगर ट्रांसफर्स लगता है तो टू ऑफ द एक्सियल फोर्सेस उसी के बराबर तो जैसा वहां पर था लेसिंग के अंदर कितना था सर टू ऑफ एक्सियल लोड इन बातों को भी हमें सर यहां पर ध्यान रखना है सेम उतना ही आपके पास यहां पर भी डिफाइंड होगा ठीक है तो यही यहां पर लिखा है सर इन द केस ऑफ कॉलम दैट आर सब्जेक्टेड टू मोमेंट्स रिजल्टिंग शियर शुड बी डिजाइन शियर ऑफ दिस एंड ऑफ द लोड अगर आपके पास बैटर्स के ऊपर मोमेंट्स भी एडिशनल एड add हो जाते हैं तो मोमेंट्स को भी आपको कैटर करना है और एडिशनल जो शियर आपका प्रोड्यूस हुआ यहां पर उसको ऑफर फिर टू पॉइंट फाइव परसेंट जो एक्जेल लोड का लगा वो आप साथ में एड कर लोगे मतलब मोमेंट अगर प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से भी लोड प्रोड्यूस होगा डिजाइन कर रहे होंगे ये है जो पूछी जाती नहीं है तो सर ये हमारे पास बहुत सारी रिकमेंडेशन कुछ कुछ रिकमेंडेशन जो इंपॉर्टेंट थी कुछ आपका, लेसिंग्स की थी। एक बात ध्यान रखना सर लेसिंग्स हो या बैटर्स हो वहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है सर कि एक और रिकमेंडेशन होता है लेसिंग्स का लेमडा ऑफ द लेसिंग जो होता है लेमडा ऑफ द लेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन रिकमेंडेशन को भी हमें ध्यान रखना है कि लेमडा लेसिंग का कभी भी 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं इस सारी स्लाइड पे आपके लिए मेंशन कर देता हूं यह आपको याद रखना कि सर 2.5 परसेंट ऑफ द एक्सियल लोड एक ये रिकमेंडेशन हो गई एक आपके पास लेमडा लेसिंग का हो गया एक सर हमारे पास जो विथ ऑफ लेसिंग थी ये हमारे पास होना चाहिए। जब length of lacing, मतलब thickness of lacing की बात करेंगे, तो देखना यहाँ पर अगर मैं थिकनेस ऑफ लेसिंग की बात करता हूं तो दैट शुड नॉट बी लेस देन वन बाई फोर्टी ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ठीक है सम अप करके लिख रहा हूं एक बार याद रखना इस स्लाइड को और वन बाय सिक्सटी ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ये हमारे पास होता है कब कब जब ये सिंगल लेसिंग है और जब ये हमारे पास डबल लेसिंग है देखो लेसिंग में तो क्लियर हो गया लेकिन अगर थिकनेस में यहां पर बैटन की बात करता हूं तो वहां बैटन के केस में वन बाय फिफ्टी टाइम्स द इफेक्टिव लेंथ होना चाहिए कितना होना चाहिए वन बाय फिफ्टी टाइम्स द इफेक्टिव लेंथ होता है किस केस के अंदर बैटन केस के, के अंदर लेसिंग में 140 और 150 फिफ्टी 160 आपको देखने को मिलेगा ये वाली बातें भी सर हमने यहां पर कर ली है ठीक है ये वाली बातें भी सर आपने यहां पर बढ़िया तरीके से समझ ली ठीक है लेमडा हो गया 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट वेट की बात हो गई थिकनेस की बात हो गई लेसिंग की बात हो गई तो ये सारी बातें हमने करी दोनों एक्सिस के और बराबर होना चाहिए सर भी बता दिया एंगल जो होता है ठीक है जो एंगल होता है लेसिंग वाला एंगल ये सर आपके पास चालीस से सत्तर डिग्री के आसपास होना चाहिए ठीक है ठीक है चालीस से सत्तर के आसपास आपके पास एंगल होना चाहिए इन दोनों के बीच में इस बात को भी हमें लेसिंग के एंगल को भी याद रखना है सर इसके रेंज में ही आपके पास एंगल है जो सबसे बढ़िया आपको देखने को मिलता है सही कह रहे हो बेस्ट आपके पास हाँ ठीक है बेस्ट आपके पास 45 वाला हो जाएगा तो ठीटा हमारे पास कितना होगा 40 टू 70 के आसपास बीच में होना चाहिए जो एंगल ऑफ लेसिंग की मैंने बात करी थी ठीक है सर लेमडा कंपोनेंट की बात करते हैं तो लेमडा कंपोनेंट हमारे पास पॉइंट ऑफ लेमडा होल होना चाहिए या फिर ये आपके पास पचास से कम होना चाहिए तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमें सर याद हो गया ये कुछ बेसिक बेसिक रिकमेंडेशन है आई थिंक ये सारी बातें हमें यहां पर समझ में आ गई यही कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हमारे पास यहां पर यूज होती है जब हम कॉलम के फेलियर की बात करते हैं तो कंपोनेंट वगैरह सब चीजें हमने यहां पर बता दी थी है ना हा बिल्कुल तो ये सारी बातें अब ये वाला सेम ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये आपके पास लेसिंग के लिए भी है और ये आपके पास बैटर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए एप्लीकेबल है एकदम क्लियर एकदम क्लियर ठीक है सर यहां तक की बात है सर मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गई और यहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही पूछा ही जाता है हंड्रेड एंड टेन परसेंट है ठीक है सर सिंगल लेसिंग में थिकनेस के केस में इफेक्टिव लेंथ पूरे कॉलम की है या लेसिंग की है डियर लेसिंग की है ना

कुलदीप कह रहे हैं सर टू पॉइंट फाइव परसेंट एक्ज लोड एक्साम्पल के तो समझा दो अब ये क्वेश्चन की तो समझाओ कुलदीप आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है अभी इसी में एक आधार टॉपिक खत्म करके हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तब आपके पास मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं टू पॉइंट फाइव परसेंट वाला ठीक है ठीक है इंजीनियर टॉक सर कौन सी लेसिंग सुटेबल होती है डियर वो डिपेंड करता है इस आपको इस किस तरह की लोडिंग कंडीशन है उसके आधार पर डिपेंड करता है समझो मान लो फॉर एग्जाम्पल डबल इंटरसेक्टिंग लेसिंग सिस्टम है तो डबल इंटरसेक्टिंग लेसिंग सिस्टम आपके पास ओवर सेफ डिजाइन प्रोड्यूस करता है तो तो ये स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा डबल इंटरसेक्टिंग लेसिंग इंटरसेटिंग होती है लेकिन ये ओवर आपके पास क्या करता है, ओवर सेफ अच्छा, सिस्टम जो है वो आपका ज्यादा सूटेबल है बजाय की इंटरसेक्टिंग के रीजन बस इसका यह है सर कि जब हम इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं जैसे देखो यहां पर जब आप इंटरसेक्टिंग की बात करोगे इस तरह से तो ये जो एक बोल्ट हमारे पास है इस पे सर

नॉन इंटरसेक्टिंग को प्रेफर करते हैं हम जनरली और साथ ही साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि डबल इंटरसेक्टिंग सिस्टम ऑल दो ऑल दो लोड को तो ज्यादा कैरी करता ही है लोड को तो ज्यादा कैरी करता ही है लेकिन ये ओवर सेफ डिजाइन को प्रोड्यूस करेगा इसलिए ज्यादातर हम इसको यूज नहीं करते सर लेसिंग बैटर होता है या बैटन बैटर होता है वो सब लोड पे डिपेंड करता है डियर है ना वो सब चीजें आपके पास स्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कोई भी किसी से बेटर या लेस नहीं होता दोनों एक जैसे ही हैं चलो ठीक है सर अब यहां देखो सर नेक्स्ट हमारे पास कॉलम स्प्लाइसिस की बात करते हैं देखो सर कॉलम स्प्लाइसिस का मतलब क्या है यहां से चीजों को समझना ताकि हम बढ़िया तरीके से इसको देख पाएं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां समझो शानदार तरीके से कि सर कॉलम स्प्लाइस का मतलब क्या है कि मान लो मान लो कि सर मान लिया सर हमने कि हमारे पास हमारे पास ये एक कॉलम है ठीक है मान लिया सर कि हमारे पास ये एक कॉलम है इस तरह से मान लिया सर कि हमारे पास ये एक कॉलम है और ये कॉलम कुछ इस तरीके का है और ये कॉलम कुछ इस तरीके का है ये कॉलम कुछ इस तरीके का ठीक है दिस इज वन ऑफ द कॉलम्स अब हम क्या कर रहे हैं हमें लेंथ ऑफ कॉलम को क्या करना है हमें लेंथ ऑफ कॉलम को फॉर एग्जाम्पल बढ़ाना है तो सर अगर इसी लेंथ ऑफ कॉलम को हमें अगर इंक्रीज करना है फर्दर तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर हम लोग सर इस लेंथ ऑफ कॉलम को इंक्रीज करने के लिए यहां पर प्लेट्स को यूज करते हैं कुछ इस तरीके से तो सर ये प्लेट्स होती हैं जो जिसको हम यहां आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे या आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से तो टू इंक्रीज द लेंथ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम ठीक है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग कॉलम स्प्लाइसिस को यूज करते हैं तो जो आप यहां पर देख रहे हो सर दिस इज बेसिकली नॉन एज योर कॉलम स्प्लाइस दिस इज बेसिकली नॉन एज योर कॉलम स्प्लाइस तो ये आपका अपर कॉलम हो गया एक तरीके से तो सर दिस इज योर अपर कॉलम और ये सर हमारे पास हो गया था लोअर कॉलम दिस इज बेसिकली योर लोअर कॉलम तो ये बात समझ में आ रही है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्योंकि कभी कभी होता ही है सर हमारे पास कि सिंगल लेंथ जो होती है, मतलब एक अगर हमें बहुत है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर तो वहां पर उतने लंबे रिक्वायरमेंट को एक सिंगल सेक्शन से हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो हमें मल्टीपल सेक्शन को आपस में कनेक्ट करके यूज करना पड़ता है तो वो हमारे पास वहां पर लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कॉलम स्प्लाइसिस को हम यहां पर यूज कर सकते हैं सबसे पहली बात तो ये हो जाती है अब सर कॉलम स्प्लाइसिस जो आप यूज कर रहे हो यहां पर तो यहां पर लिखी देता हूं मैं सबसे पहले इस पॉइंट को कि कॉलम स्प्लाइसिस इंक्रीज लेंथ ऑफ द आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम्स आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम्स इंक्रीज करने के लिए हम कॉलम स्प्लाइसिस को यूज कर रहे होते हैं। तो ठीक है सर अब इसको यूज करने का अलग अलग तरीके किस तरह से हो? ध्यान समझना इस चीज को कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर यह बात बोलता हूं कि मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं एक तरीका यह है कि ये दो कॉलम्स हमारे पास हैं ये दो कॉलम्स हमारे पास हैं अब इन दो कॉलम्स में से मैं ये बोलता हूं कि सर अगर ये वाला कॉलम आपके पास मशीन कट है कैसा है सर मशीन कट है मतलब एकदम स्मूथ सर्फेसिस आपके पास यहां पर डेवलप होता है तब होगा क्या कि जो भी आप लोड लगाते हो यहां पर मान लो ये डिजाइन लोड है जिसके लिए आपको यहां पर लगाना है तो इस वाले केस में होता यह है सर कि हमारे पास अगर ये मशीन कट होता है तो इधर आपके पास बियरिंग के थ्रू बियरिंग के एक्शन के थ्रू लगभग 50 परसेंट जो लोड है वो रजिस्ट हो जाता है तो 50 परसेंट ऑफ द लोड जो हमारे पास होगा वो यहां पर किससे हो जाएगा सर वो यहां पर आपके पास बियरिंग से ट्रांसफर हो जाएगा अगर ये मशीन कट एंड्स होते हैं आपके पास एंडस आर मशीन कट तो मशीन कट अगर एंड हमारे पास हैं तब यहां पर 50% परसेंट ऑफ द लोड 50% परसेंट ऑफ द लोड इज कैरीड 50% परसेंट ऑफ द लोड इज कैरीड बाय बियरिंग एक्शन इज कैरीड बाय बियरिंग एक्शन इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास जो कॉलम स्प्लाइस है उसको सिर्फ और सिर्फ 50% लोड के लिए कैरी करवाना है ट मींस फिफ्टी परसेंट विल बी कैरीड बाय फिफ्टी परसेंट विल बी कैरीड बाय कैरीड बाय कॉलम स्प्लाइस तो यहां पर हमें पता चल गया सर कि पचास परसेंट ही हमें कॉलम स्प्लाइस को कैरी करवाना है तो यहां से आप समझ जाओ इस चीज को कि सर अब यहां पर मैंने क्या किया यहां पर मैंने कि कॉलम स्प्लाइस लगा दिया है अब यह स्प्लाइस लगाया तो अब इस प्लेट को हमें सिर्फ फिफ्टी परसेंट के लिए लोड के लिए डिजाइन करना है बाकी पचास परसेंट तो बियरिंग में हो जाएगा दूसरा केस क्या है सर ठीक है दूसरा केस यह है कि सर अगर यह ऑर्डिनरी कट मेथड से डिजाइन किया गया है मतलब अगर यह आपके पास कॉलम जो है वो ऑर्डिनरी मेथड से कट किए गए हैं तो सर यहां पर आपको सरफेस रफनेस कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस यहां देखने को मिलेगी ये कौन सा है सर यह ऑर्डिनरी कट है ठीक है ऑर्डिनरी कट एंड्स तो जो ऑर्डिनरी कट एंड्स हैं इसमें तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर यहां पे आपको रफनेस देखने को मिलेगी तो इस वजह से बियरिंग एक्शन यहां पूरा आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा तो नो बियरिंग एक्शन इज ऑब्जर्व तो स्नो बियरिंग नो बियरिंग एक्शन इज ऑब्जर्व तो यहां पर सर बियरिंग एक्शन हमारे देखने को नहीं मिलेगा तो जो भी स्प्लाइस प्लेट्स जो भी स्प्लाइट प्लेट यहां पर लगा रहे हो आप वो स्प्लाइस प्लेट को आपको हंड्रेड परसेंट ऑफ द लोड के लिए डिजाइन करना पड़ेगा तो दिस शुड बी डिजाइंड तो ये जो हमारे पास है तो दिस शुड बी दिस शुड बी डिजाइंड दिस शुड बी डिजाइन फॉर हंड्रेड परसेंट ऑफ लोड तो हंड्रेड परसेंट लोड के लिए ही डिजाइन होनी चाहिए कॉलम स्प्लाइस ये आपके पास कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मशीन का टेंड है या ऑर्डनरी तो देखा जाए तो बियरिंग एक्शन यहां देखने को मिलेगा तो पचास परसेंट बियरिंग एक्शन ले जाएगा पचास परसेंट के लिए कॉलम स्प्लाइस को डिजाइन करेंगे लेकिन यहां अगर बियरिंग एक्शन नहीं है तो सर पूरे के पूरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पूरे के पूरे आपको कॉलम स्प्लाइस को कंप्लीट के लिए डिजाइन करना पड़ेगा ठीक है सर अब यहां पर देखो अगर हमारे पास सेक्शन कुछ इस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं सर ये कॉलम है और मैं सर यहां बात करता हूं ये भी हमारे पास कॉलम इस तरीके से है ठीक है अब इन दोनों कॉलम्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो सर मैंने क्या किया मैंने यहां पर ये कॉलम को ऐड कर दिया ठीक है ये मैंने कॉलम स्प्लाइस प्लेट्स यहां लगा दी ये कुछ इस तरह से क्या हुआ सर इस तरह से आपने कॉलम स्प्लाइस प्लेट्स को सर फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट कर दिया अब अगर आपका दो सेक्शन जिसको आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो वो अगर यूनिफॉर्म सेक्शन है मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस का है जितना थिकनेस पर पर जो क्रॉस सेक्शन है वही क्रॉस सेक्शन ये है तो अगर सर हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला केस है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला केस है अपर कॉलम और लोअर कॉलम में अपर कॉलम और लोअर कॉलम में तब हमें तब हमें यहां पर किसी भी तरह के फिलर प्लेट्स या फिर बियरिंग प्लेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस बात को हमें यहां पर ध्यान रखना है देयर फोर तो इस वाले केस में क्या होगा सर देयर फोर देयर फोर नो फिलर नो फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स नो फिलर एंड बियरिंग प्लेट इज रिक्वायर्ड तो यहां पर हमें किसी भी तरह की फिलर या बियरिंग प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सबसे पहली बात क्लियर दूसरी बात सर अगर हमारे पास क्या होगा अगर हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से वेरी करता है तो मान लो सर ये क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा वेरी किया कि वहां ऊपर क्रॉस सेक्शन अलग है नीचे क्रॉस सेक्शन अलग है और हमने क्या किया सर हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ प्लेट्स लगाई इस तरह से तो हमने इन दोनों कनेक्ट करने के लिए प्लेट लगाई लेकिन अब यूनिफॉर्मिटी तो देखने को नहीं मिल रही है यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है इस वजह से क्या करना पड़ेगा सर यहां पे आपको ये प्लेट्स लगानी पड़ेगी यहां पे आपको ये प्लेट लगानी पड़ेगी और ये जो प्लेट्स आपने यहां लगाई हैं इनको बोला जाता है सर फिलर प्लेट्स क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है सर फिलर प्लेट्स तो इसको आपने कनेक्ट किया इसको आपने कनेक्ट किया तो ये जो हमारे पास देख, देखने को मिल रही है दीज आर योर फिलर प्लेट्स और ये आपके पास हो जाती है स्प्लाइस प्लेट्स ठीक है दीज आर योर कॉलम स्प्लाइस प्लेट्स ये हमारे पास होती है मतलब अगर आपके पास जो क्रॉस सेक्शन डिफरेंस जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है मतलब मतलब सर इफ क्रॉस सेक्शनल डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है स्मॉल अगर ये छोटा है कम है देन फिलर प्लेट्स आर यूज तब हम लोग सर फिलर प्लेट्स को यूज करते हैं देन फिलर प्लेट्स आर यूज तो तब हम सर फिलर प्लेट्स को यहां पर यूज करते हैं सिंपल सी बात है सिमिलरली एक बात और समझना कि सर अगर क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है अगर सर क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है मान लो अपर कॉलम बहुत छोटा है लोअर कॉलम बहुत बड़ा है इस तरीके से तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं सर ऐसे केस में सर हम लोग बियरिंग प्लेट्स को यहां पर यूज कर रहे होते हैं किसको यूज करते हैं हम यहां पर कॉलम के साथ साथ सर बियरिंग प्लेट्स को यहां पर यूज करते हैं दिस इज नोन एज योर बियरिंग प्लेट क्योंकि देखो ध्यान समझना यहां पर कि सर जब क्रॉस सेक्शन में इतना ज्यादा डिफरेंस है ये आपके पास अपर कॉलम है और ये आपके पास लोअर कॉलम है तो सर दोनों में क्रॉस सेक्शन में बहुत डिफरेंस है अब जो लोड लगेगा तो सीधी बात देखो अगर ये डायरेक्ट इसके ऊपर होता तो सर यहां पर आपका प्रेशर जो है कम क्रॉस सेक्शन एरिया पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमेशा मैंने आपको बताया कि सर स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया जब एरिया बहुत कम हो गया और लोड बराबर है स्ट्रेस काफी बढ़ जाएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका स्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए कि बियरिंग फेलियर यहां प्रिवेंट हो जाए हम एक बियरिंग प्लेट लगा देते हैं आप इससे फर्दर क्या होगा सर इससे फर्दर आपके पास लोड आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा तो सर बियरिंग प्लेट को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से ठीक है तो ये बियरिंग प्लेट आपने कनेक्ट कर दिया बियरिंग प्लेट को भी नीचे से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो तो सर ये एंगल्स वगैरह को यूज करके हम बियरिंग प्लेट को दोनों कनेक्ट कर देंगे इस वजह से हम लोग यहां पर बियरिंग प्लेट्स का यूज करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखो कि सर इफ इफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंस इज मोर अगर काफी ज्यादा है then, तब हमें क्या करना है देन बियरिंग प्लेट्स आर यूज तो उस वाले केस में हम लोग सर बियरिंग प्लेट्स को यूज करते हैं देन बियरिंग प्लेट्स आर यूज एकदम क्लियर है यह बात यहां तक की बात एकदम समझ में आ रही जल्दी से बताओ जल्दी से बताएंगे यहां तक की बात एकदम क्लियर है क्या होता है फिलर प्लेट 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 क्या क्या होता होता है 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 कब यूज करना है, कैसे यूज करना है 50 परसेंट में कब आपको डिजाइन करना है कब 100 परसेंट के लिए डिजाइन करना है बस यही सारी बातें हैं जो आपको सीवीटी वन के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल फिलर प्लेट और बियरिंग प्लेट्स की जो डिजाइन हैं, वो इंडिविजुअल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं कब क्या लगाना है वो आपके सीबीटी वन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इस चीज को आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है ठीक है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है कम क्रॉस सेक्शन अगर हमारे पास है और यहां पर आपके पास कितना ज्यादा है दोनों चीज देखेंगे केस टू में मेन फिलर केस टू में फिलर और स्प्लाइस हम्म दोनों दोनों यूज होगा ठीक है दोनों यूज होगा फिलर और स्प्लाइट दोनों यूज होते हैं इसमें ठीक है चलो ठीक है अब आगे देखो सर नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम बेसिस सर कॉलम बेसिस का मतलब समझना ध्यान से कि अगर सर अगर हम यहां पर क्या करते हैं अगर हम यहां पर एक कॉलम की बातचीत कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉलम यहां पर कंसिडर किया फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये यह कॉलम को कंसिडर किया ठीक है दिस इज द कॉलम अब इस कॉलम में इस कॉलम को जब आप किसी पर्टिकुलर पेडिस्टल के ऊपर इस कॉलम को जब किसी पेडिस्टल के ऊपर रेस्ट करवाओगे मतलब सर मान लिया ये हमारा पेडिस्टल है कॉन्क्रीट पेडिस्टल है ठीक है ये आपका एक कॉन्क्रीट पेडिस्टल है कुछ इस तरीके से ये सब चीजें आप कहा देखते हैं सर ये सब चीजें हम रेलवे स्टेशन पे जाके देख सकते हो बढ़िया तरीके से कभी जाओ भ्रमण करो रेलवे स्टेशन का तो होगा क्या सर जब आप लोड्स वगैरह लगाते हो जब आप लोड्स वगैरह लगाते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर तो सर इस कॉलम के ऊपर जब आप लोड लगाओगे इस तरीके से तो होगा क्या इन लोड्स को नीचे फर्दर हमें ट्रांसफर करना होता है अगर कॉलम को डायरेक्टली इस बेसिस इन कॉलम को डायरेक्टली अगर आप यहां पर पेडिस्टल या जो फुटिंग वगैरह आपके पास है जो ये कंक्रीट पेडिस्टल या कंक्रीट फुटिंग आपके पास होती है डायरेक्ट इसके ऊपर रख दोगे तो बियरिंग की वजह से यहां पर आपके पास फेलियर देखने को मिल सकते हैं और अगर लोड इसकी क्षमता से ज्यादा होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा तब आपके पास यहां पर भी बेस में भी फुटिंग में भी हमें फेलियर देखने को मिल सकता है तो ये बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर इसीलिए हम लोग इस कॉलम के नीचे इसको डायरेक्टली इस पर रेस्ट करवाने से पहले फुटिंग रेस्ट करने से पहले एक बेस के ऊपर रखते हैं ठीक है एक बेस के ऊपर रखते हैं तो सर ये उसी को हम बोलते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज योर कॉलम बेस तो सर ये हम हम क्या करेंगे यहां पे? हम इस कॉलम को इस पर्टिकुलर बेस के ऊपर रखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है ये हमारा कहलाता है सर कॉलम बेस ठीक है दिस इज बेसिकली योर कॉलम बेस ये हमारा एक कॉलम बेस यहां पर कहलाता है तो हमने क्या किया सर हमने यहां पर ये जो कॉलम था आपके पास ये जो कॉलम था जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर लोड लग रहा है इस कॉलम को एक कॉलम बेस के ऊपर दिस इज बेसिकली और कॉलम बेस अभी बताऊंगा कॉलम बेस कितने कितने तरह के होते हैं आपके पास और फिर नीचे ये आपके पास कंक्रीट फुटिंग होती ताकि लोड काफी आपके पास इजीली ट्रांसफर हो जाए ठीक है तो दिस इज बेसिकली और ये क्या है ये हमारे पास है कंक्रीट फुटिंग या पेडिस्टल जो आपके पास होता है

सर अगर एक बात करोगे सबसे पहले सबसे पहले सर अगर आप बात करोगे तो जैसे स्लैब बेस हो गया ठीक है स्लैब बेस इज वन ऑफ द कॉलम बेस तो सर ये हमारे पास स्लैब बेस यहां पर यूज होता है पहला तो ये हो गया सर दूसरा सर होता है हमारे पास कॉलम बेस के अंदर गसेटेड बेस क्या होता है सर सेकेंड इज योर गसेटेड बेस तो दिस इज गसेटेड बेस और तीसरा सर हमारे पास होता है ग्रिलेज फाउंडेशन या ग्रिलेज फुटिंग तो तीसरा सर हमारे पास होता है ग्रिलेज फुटिंग ये तीन तरह के कॉलम बेसिस हमारे पास यहां पर होते हैं जो हम अलग अलग पर पर्पज के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं ठीक है अलग अलग पर्पज के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं समझना ध्यान से सर यहां सबसे पहले स्लैब बेस की जब बात करें तो सर जो स्लैब बेस हमारे पास होता है ये स्लैब बेस जो होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर स्लैब के जैसा ही हुआ है ना एक पर्टिकुलर स्लैब के जैसा ही आपके पास होता है तो अगर यहां पर हमें लोड्स को कम मतलब स्मॉल लोड्स को अगर ट्रांसफर करवाना है ठीक है अगर स्मॉल लोड्स को हमें ट्रांसफर करवाना है तब हम लोग यहां पर स्लैब बेस को जनरली यूज करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सर जो स्लैब बेस हमारे पास है जो हमारे पास स्लैब बेस है तो स्लैब बेस, इज बेस इज जनरली स्मॉल लोड्स स्मॉल लोड्स टू द फुटिंग ठीक है जब हमें स्मॉल लोड्स, को ट्रांसफर करना है तब हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर स्मॉल लोड स्मॉल लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग स्लैब बेसिस को वहां पर यूज कर रहे होते हैं सबसे पहली बात तो सर हमारे पास ये होगी दूसरा सर गसेटेड बेस अब गसेटेड बेस में क्या होगा गसेटेड बेस में क्या होगा सर कि जहां पर ये स्लैब आया इसके साथ में गसेट प्लेट भी आती है गसेट प्लेट आपको पता है कनेक्टिंग मेंबर है तो वहां पर गसेट प्लेट जो है वो नीचे के बेस के साथ कनेक्ट होता है जिसको हम गसेटेड बेस बोलते हैं तो नीचे बेस तो आ ही रहा है साथ में गसेट प्लेट कनेक्टेड है एंगल्स के थ्रू दैट इज बेसिकली नोन एज योर गसेटेड बेस ठीक है तो वो हमारा गसेटेड बेस कहलाता है अब क्योंकि गसेट आपके पास साथ में कनेक्टेड इसका मतलब लोड्स को आप थोड़ा आप और इंक्रीज कर सकते हो तो यहां पर देखोगे कि दिस इज यूज तो ये हमारे पास जो है दिस इज यूज दिस इज यूज फॉर फॉर स्लाइटली हैवी लोड्स तो ये हमारे पास स्लाइटली हैवी लोड्स के लिए काम आता है स्लाइटली हैवी लोड्स के लिए आपके पास काम आएगा ठीक है जब हम बेस की बात कर रहे हैं तो और ग्रिलेज फुटिंग देखो ग्रिलेज फुटिंग का मतलब क्या है समझना है इसको भी कि सर ग्रिलेज फुटिंग का मतलब हमारे पास होता है कि मान लो कि ये आपका एक कॉलम है ये आपका एक कॉलम है इस तरीके से और इस कॉलम को नीचे रेस्ट करवाना है तो यहां क्या करते हैं सर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करते हैं हम कॉलम्स का किस तरीके से ध्यान से देखो सर यहां पर आप अरेंज करोगे ऑल्टरनेट तरीके से इसको अरेंज करोगे मतलब ये आपने कॉलम्स अरेंज किए इस तरह से ये इस तरह से आपने अरेंज किए ठीक है ये इस तरीके से सर आपने अरेंज किए तो दिस इज बेसिकली द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द सेक्शंस एक अरेंजमेंट ऐसा हो गया फिर सिमिलरली इसके जस्ट नीचे आप अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करोगे ये आपका कहलाता है ग्रिलेज फुटिंग फिर आप इसको अरेंजमेंट को कुछ ऐसे करोगे ये आपका कहलाता है ग्रिलेज फाउंडेशन ये जो अरेंजमेंट हमारे पास है

मतलब मैक्सिमम अगर कभी यूज करना हो बहुत ज्यादा लोड्स के लिए अगर यूज करना हो तो सर हमारे पास ये होता है ग्रिलेज फाउंडेशन ग्रिलेज फुटिंग होती है जिसको आप यूज कर सकते हो स्लैब बेस हो गया ठीक है गसेटेड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पंपकिन पूछ रहे सर वेयर कैन वी यूज द दिलेज फुटिंग वेयर कैन वी सी द ग्रिलेज फुटिंग जहां पर आपको हवी इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह देखने को मिलते हैं जहां बहुत ज्यादा लोडिंग्स वगैरह ट्रांसफर होती हैं इंडस्ट्रियल रूफ्स इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो बनते हैं जहां हेवी टन के अंदर लोड जो है जो आपको लगता है तो वहां पर जो फुटिंग यूज करते हैं कॉलम पे वो आपकी ग्रिलेज फुटिंग जनरली यूज की जाती है ठीक है तो आपको ऐसे दिखेगी नहीं अगर आप प्रॉपर इंडस्ट्रीज के अंदर जाओगे वर्कशॉप के अंदर आपको वहां पता चलेगा ठीक है अदरवाइज जो नॉर्मल आप देख आपको देखने को मिलता है वो स्लैब बेस और गसेटेड बेस ही होता है जो आप रेलवे स्टेशन पर भी देख सकते हो बहुत ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा तो ये सर कॉलम बेस का पर्पस क्या है समझ में आ गया और कॉलम बेस होते कितने तरह के समझ में आ गया हमारे पास अब यहां से एक चीज और आपको समझनी है क्या समझनी है सर कि जब भी हम बेसिस की यहां पर बात करते हैं तो बस एक पॉइंट आपको यहां समझना है एक पॉइंट आपको समझना है जो काफी काम आता है वो है सर हमारे पास मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस मिनिमम थिकनेस ऑफ द ऑफ़ द स्लैब बेस तो यहां पर हमारे पास सर मिनिमम थिकनेस कितना होता है मिनिमम थिकनेस कितना होता है इस मिनिमम थिकनेस को हम लोग इलास्टिक थ्योरी से कैलकुलेट करते हैं किससे थ्योरी करते हैं सर इलास्टिक थ्योरी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं एनालाइज करते हैं और इसके अंदर हम लोग जो पॉइजन रेशियो है सर उसको मान के चलते हैं तो जब आप इलास्टिक थ्योरी को अप्लाई करते हो और पॉइजन के तब तो हम देखेंगे कि जो मिनिमम थिकनेस हमारे पास आ रही है इन द केस ऑफ योर लिमिट स्टेट मैथड एल एस एम मैथड में और ये फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को समझना तो जब मिनिमम थिकनेस जो हमारे पास आती है वो आती है सर कितना 2.5 पॉइंट फाइव इंटू आपका बियरिंग प्रेशर है जो नीचे से बियरिंग प्रेशर लगता है इसके ऊपर वो ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस पॉइंट थ्री ऑफ बी स्क्वायर ठीक है मल्टीप्लाई बाय गामा एम नॉट डिवाइडेड बाय एफ वाई ज बेसिकली फॉर्मूला इन द केस ऑफ यूर एल एस एम ये एल एस एम के अंदर आपके पास फॉर्मूला होता है ठीक है इस चीज को हमें जहां पर इज बेसिकली द बियरिंग प्रेशर ए और बी जो आपको देखने को मिल रहा है ए एंड बी आर द प्रोजेक्शन तो सर ये प्रोजेक्शन होते हैं सर प्रोजेक्शन मतलब देखो समझना ध्यान से ये फॉर्मूला देखो याद रखना काम आएगा एग्जाम में ठीक है अगर मैं बात कह रहा हूं प्रोजेक्शन का मतलब क्या है तो देखो आपने क्या किया सर आपने स्लैब बेस लिया अब स्लैब बेस पे ये मैं इसका टॉप व्यू बता रहा हूं टॉप व्यू ठीक है अगर स्लैब बेस की बात करें तो स्लैब बेस के ऊपर ये कॉलम होगा तो ये कॉलम हमारे पास कुछ इस तरह से इसके ऊपर अरेंज होगा ठीक है ये इसका टॉप व्यू है कि नीचे आपका स्लैब बेस है ऊपर ये कॉलम आपका लगा हुआ है अब ये जो कॉलम लगा हुआ है इस कॉलम के एंड से इसके एंड तक ये जो प्रोजेक्शन है दिस इज ए ये हमारा प्रोजेक्शन है और सिमिलरली यहां से यहां देखोगे तो ये प्रोजेक्शन हमारे पास बी है आई एस कि सर आपको इसके पोजिशन को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखना है कि यह पूरा आपका डिजाइन इकोनॉमिकल डिजाइन देखने को मिले वो तब रख सकते हैं जब ए और बी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सेम होते हैं जब ए और बी अप्रोक्सीमेटली आपके पास सेम हो जाएंगे उस समय एक इकोनॉमिकल डिजाइन प्रोड्यूस होकर आती है ये सब कुछ क्या होता है सर ये सब कुछ हमारे पास डिपेंड करता है किस तरह की लोडिंग कंडीशन है किस तरह का स्लैब बेस वगैरह सारा आपके पास है तो जो नीचे बेस लगा रखा है इसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो इतना होगा अब देखो ध्यान से सर ये ये बेस है इसके ऊपर ये कॉलम वॉलम लगा हुआ है तो इसके नीचे ये प्रेशर जरूर यहां पर आ रहा होगा ठीक है ये प्रेशर जरूर यहां पर आ रहा होगा इसी को हम लोग कहते हैं बियरिंग प्रेशर ये हमारे पास बियरिंग प्रेशर होता है अभी है। हो तो आई एस है जब सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो तब सर हम लोग जो स्ट्रेस मान के चलते हैं परमिशिबल स्ट्रेस वो हम सर पॉइंट फोर फाइव एफ सी के मान के चलते हैं उस वाले केस में ध्यान रखना अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अगर नीचे यूनिफॉर्म होता है तब हम इसको 0.45 फोर के मान के चलते हैं ठीक है तो ये बियरिंग प्रेशर हमारे ठीक है सर बिल्कुल क्लियर बातें सिद्धांत कुमार हैं सर एक रिक्वेस्ट है करूंगा प्लीज सर क्लास का टाइम चेंज कर देंगे तो अच्छा लगेगा यार सबके लिए अलग अलग क्लास टाइम तो हो नहीं सकता है ना

ये लोड लगाया इस लोड के ऊपर आके मैं भी बैठ गया इसके ऊपर किसी और को बैठा लिया तो अब आप, आपके हाथ का सिग्निफिकेंस क्या हुआ अरे जितना ऊपर आप लोड लगाओगे जितना ऊपर लोड लगाओगे आपके हाथ के ऊपर एक प्रेशर भी तो क्रिएट हो रहा है है आपको उसको सहन भी तो करना है। तो करना स्लैब बेस के नीचे कितना प्रेशर क्रिएट होता है उसका फर्क तो पड़ेगा ना उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर तो यही इसका सिग्निफिकेंस है हमारे पास है ना यही इसका सिग्निफिकेंस है तो ये मिनिमम थिकनेस है एलएसएम में देखो अगर अगर हमारे पास थिकनेस टी मिनिमम की बात करोगे और अगर ये डब्ल्यू एस एम केस में मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में डब्ल्यू एस एम के फॉर्म में भी आपको पूछ लें तो इस चीज को भी ध्यान रखना तो सर ये होता है हमारे पास थ्री टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ए स्कोयर माइनस पॉइंट टू फाइव ऑफ बी स्क्वायर अच्छा गामा एम नॉट तो आएगा नहीं तो ये परमिसिबल स्ट्रेस ही आपके पास आएगा ठीक है ये एफ जो है यहां पर दिस इज बेसिकली योर परमिसिबल स्ट्रेस परमिसेबल स्ट्रेस ठीक है कितना स्ट्रेस हम परमिट कर पा रहे हैं और बाकी प्रोजेक्शन हमारे पास आते ही ठीक है सर क्लियर है क्लियर है यह सारी बातें हमें यहां से क्लियर है मिनिमम थिकनेस हमारे पास ये है ठीक है मिनिमम थिकनेस हमारे पास ये सब चीजें होती है ठीक है सर बाद की सारी बातें हुई है तो यहां पर आपका जो कंप्रेशन मेंबर वाला पार्ट है वो कंप्रेशन मेंबर वाला पार्ट जो है विथ कॉलम स्प्लाइस विथ कॉलम बेसिस विद योर जो बैटरी बिल्टअप कॉलम्स थे बिल्टअप कॉलम्स के साथ और एक्जली लोडेड कंप्रेशन के डिजाइन के साथ हमने कंप्लीट इसको कवर अप कर लिया है कंप्रेशन मेंबर को ठीक है अब हमें देखना है सर नेक्स्ट चैप्टर एंड विच इज डिजाइन ऑफ बीम्स तो जो हमारा आज का और टारगेट था सेकेंड टारगेट विच वॉज योर डिजाइन ऑफ बीम्स अब देखो समझना ध्यान से एक अच्छे फ्लो में फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर आए ताकि रिकमेंडेशंस आपको अच्छे से याद हो जाएं ठीक है सर बीम्स की डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो सर बीम का मतलब यहां हमारे पास होता है कि ऐसा मेंबर जो आपके पास क्या हो रहा है जो आपके पास ट्रांसफर्स लोडिंग को ट्रांसफर्स लोडिंग को रजिस्ट करने के जनरली काम आ रहा होता है तो सर ये फॉर एग्जाम्पल आपका स्टील का बीम है ठीक है स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर्स लोडिंग जब लोडिंग इसके ऊपर लगती है तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट करता है या जो स्ट्रक्चर हमारे पास लोड को सहन कर रहा है वो आपके पास कहलाता है बीम बीम अब जो बीम में सर कॉलम कैप क्या होता है बैक बेंचर पूछ रहे हैं। बिल्कुल डियर कॉलम कैप का मतलब क्या होगा देखो जब कोई भी बिल्डिंग की डिजाइन करते हो बिल्डिंग डिजाइन आप करते हो तो जैसे समझना है इस चीज को चलो कॉलम कैप भी समझ लो यहां पर फॉर एग्जाम्पल सर ये हमारे पास कॉलम है इस तरह से ये आपके पास कॉलम है इस तरह से इस तरह से और ये कॉलम आपने बना दिया ठीक है ये कॉलम आपने बना दिया ओके अब इस कॉलम को तो आपने बना दिया है और और आपने इस कॉलम के नीचे जब लोड ट्रांसफर करने थे तो आपने कॉल जो है बेस बना दिया सर इसका तब क्या बना दिया आपने तब आपने यहां से कॉलम बेस बना दिया तब ये आपका कॉलम बेस बन गया कि इसके ऊपर हमने इसको रेस्ट कर दिया ठीक है अब अगर आप इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर जो लोड लगा रहे हो वो जो लोड आप इसके ऊपर जब लगाते हो तो सर लोड लगाते टाइम भी हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि सर लोड अगर हम डायरेक्टली इस कॉलम के ऊपर लगा देंगे जैसे आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो कॉलम बीम कॉलम बीम कॉम्बिनेशन से बनता चला जाएगा तो सर यहां पर ऊपर फॉर एग्जांपल बीम लगाए या इसके ऊपर एक कैप लगाना पड़ेगा अब लोड जब आप लगाते हो इस तरीके से इसके ऊपर तो डायरेक्ट कॉलम के ऊपर हम लोड नहीं लगाते हम बीच में कैप को प्रोवाइड करते हैं ताकि स्ट्रेस कंसेंट्रेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले ठीक है तो यहां पर जो ऊपर हमने प्रोवाइड किया है दिस इज बेसिकली और कॉलम कैप और ये जो प्रोवाइड किया है दिस इज बेसिकली ओर कॉलम बेस ठीक है तो बीच में कॉलम है तो कॉलम के ऊपर डायरेक्टली हम लोग नहीं में तो लोड को, को ट्रांसफर करेगा तो कर और ये बकल कर गया तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर का ऊपर नीचे हो जाएगा काम तो इसका मतलब प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से एकदम क्लियर बात है ठीक है सर अब देखो जब भी हम बीम की बात करते हैं तो सर बीम के अंदर हमें दो चीजें है यहां पर कि सर लेट्रल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में बीम में लेटर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब सर जब हम लोग हाँ सर जब हम लोग यहां पर बीम और कॉलम बीच में देते हैं फॉर लोड हाँ बिल्कुल वही तो आप मैंने आपको ठीक है इसके जस्ट ऊपर लोड को ट्रांसफर करवाने के लिए ठीक है सर अब सर जब हम यहां पर लेटरल स्टेबिलिटी मतलब कोई आपके पास बीम है इसके ऊपर अगर लेटरल फोर्सेस हमारे पास लग रहे हैं तो सर ये कितना इसकी लेटरल स्टेबिलिटी है बकल करेगी नहीं करेगी ये सब चीजें हम डिजाइन ऑफ बीम्स में समझते हैं तो आपका जो बीम है वो दो तरीके से हो सकता है या तो वो लेटरली रिस्ट्रेंड हो देखो रिस्ट्रेंड मैंने कल भी समझाया था आपको रुका हुआ जो लेटरल डिफ्लेक्शन या लेटरल रोटेशन को रोक ले तो वो लेटरल रिस्ट्रेंड बीम हो गया दूसरा लेटरली अनरिस्ट्रेंड बीम मतलब अगर रोड लगाओगे तो घूम जाएगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो आपका लेटरली अनरिस्ट्रेंड बीम हो जाता है दो तरीके के हमारे पास डिजाइन होते हैं सबसे पहले समझना सर यहां पर ठीक है सबसे पहले सर यहां पर समझना जब मैं लेटरल रिस्ट्रेंट की बात करता हूं तो तो लेटरल रिस्ट्रेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है या लेटरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाता है तो देखो तो लेटरल सपोर्ट लेटरल सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड कैन बी प्रोवाइडेड बाय तो लेटरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाता है कि सर या तो आप क्या करो या तो आप इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आप क्या करो सर इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आप शियर कनेक्टर लगा दो इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर क्या किया सर हमने इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हमने शियर कनेक्टर को लगा दिया अब शियर कनेक्टर यहां पर अगर शियर कनेक्टर लगा दोगे अगर आप यहां पर शियर कनेक्टर को यहां पर लगा दोगे इसके साथ और अब आप अगर क्या करोगे अब आप इसके ऊपर अगर लोड लगाओगे लेटरल लोड्स तब क्या होगा सर लेटरल लगाओगे इंटरलॉकिंग प्रोड्यूस हो जाएगी इंटरलॉकिंग प्रोड्यूस हो जाएगी इंटरलॉकिंग प्रोड्यूस होगी तो आपके पास कंप्रेशन फ्लेंज जिसके अबाउट आपको रोटेशन देखने को मिल रहा था जिसके अबाउट आपकी वीकर बेंडिंग एक्सिस थी वो क्या हो जाएगा सर वो हमारे पास प्रिवेंट हो जाएगा तो तो यहां से पहली बात तो ये होगी ऐसे आपने लेटर सपोर्ट प्रोवाइड किया दूसरी बात कंडीशन सर ये है कि सर अगर हमारे पास यही कंप्रेशन फ्लेंज है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कंप्रेशन फ्लेंज फॉर एग्जाम्पल तो कंप्रेशन फ्लेंज को ही आपने क्या किया कॉन्क्रीट के अंदर पुट कर दिया तो आपने जब कंप्रेशन फ्लेंज को ही इस कंक्रीट फुटिंग के अंदर डाल दोगे इस तरीके से तब भी तो लेटरल स्टेबिलिटी हो गई तो इसको हम कहते हैं सर एम्बेडिंग एम्बेडिंग का मतलब पुट कर देना एम्बेडिंग द एम्बेडिंग द कंप्रेशन फ्लेंज एम्बेडिंग द कंप्रेशन फ्लेंज इन कंक्रीट तो कंक्रीट में जब डाल दोगे तो हमने इसको पकड़ के रख लिया पकड़ के रख लिया लगाओ लेटरल फोर्स कुछ नहीं होने वाला इसको कुछ नहीं होने वाला है बिल्कुल क्लियर है तो इस तरह से हम लेटरल स्टेबिलिटी यहां दे सकते हैं तो सर एक पॉइंट ये हो गया दूसरा तरीका ये हो गया सर सर तीसरा तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया तो ये आपके पास क्या है ये आपके पास एक कॉलम या एक बीम है इस तरह से दूसरा सर हमारे पास बीम फॉर एग्जाम्पल इस तरह की है ठीक है ये हमारे पास है तो हमने क्या किया सर यहां पर हम यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं क्रॉस बीम्स क्या प्रोवाइड कर सकते हो सर यहां पर आप प्रोवाइड कर सकते हो ये इस तरह से क्रॉस बीम्स तो सर यहां पर हम लोग ऐसे क्रॉस बीम्स को प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपने क्रॉस बीम्स को प्रोवाइड करके किया क्या है सर यहां से आपने इसकी लेटरल स्टेबिलिटी को क्या कर दिया लेटरल स्टेबिलिटी को आपने इंप्रूव कर दिया तो यहां से ये क्रॉस बीम्स को प्रोवाइड करके अब आपने इसकी लेटरल स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर दिया है सिमिलरली सर डायफ्रम्स को यूज कर सकते हैं जैसे कि आगे चल के मैं गेंट्री गर्डर्स वगैरह में बताऊंगा कि डायफ्रम्स को भी हम यूज कर सकते हैं डाइफ्रम्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एक बीम है सेकेंड सर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बीम है या किसी भी तरीके से आप देख सकते तो, sir, हो तो सर क्या होगा यहां पर यहां पर सर हम लोग यहां पर सर हम लोग इस तरह से डायफ्रम्स को भी यूज करके इसको लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह से डायफ्रम्स को यूज करके भी हम लोग लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं दीज आर द डायफ्रम्स ठीक है ऐसे भी हम लेटरल स्टेबिलिटी को यहां पर प्रोवाइड किया जा सकता है तो ये अलग अलग तरीके हो गए क्रॉस बीम शियर कनेक्टर कंप्रेशन फ्लेंज को ही पकड़ के रख लिया या फिर आप डायफ्रम को देख सकते हो तो दीज आर द लेटरल स्टेबिलिटी फैक्टर्स जो हम लगाते हैं लेटरल स्टेबिलिटी सपोर्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं यहां पर ठीक है तो लेटरली रिस्ट्रेंट बीम की बात हो गई अब यहां पर आपको समझना है फॉर लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम वी प्रोवाइड शियर कनेक्टर लिख भी दिया है देखो फ्लेंज को आप डाल सकते हो क्रॉस बीम्स आप देख सकते हो अच्छा बेंडिंग स्ट्रेंथ जो हमारे पास होती है वो प्रोपोर्शनल होती है सेक्शन मॉडल के ये तो मैं आपको लगभग दो क्लासेस से बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि जो बेंडिंग स्ट्रेंथ हमारे पास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेक्शन मॉडल बात तो हमें क्लियर है तो जितना ज्यादा सेक्शन मॉडल उतनी बढ़िया बैंडिंग स्ट्रेंथ ये लगातार बात में बता रहा हूं आपको फॉर अवॉइडिंग द वेब शियर बकलिंग D by टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन 67 सेवन इस पॉइंट को देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझना क्या मतलब है इसका सर जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर बीम की बात करते हैं और आगे भी चल के बात करेंगे तो एक चीज समझो यहां पे कि सर, जैसे ये मेरे पास एक सेक्शन है ठीक है ये मेरे पास एक सेक्शन है और मुझे ये पता है कि सर ये इसका फ्लेंच कंपोनेंट है सर ये इसका वेब कंपोनेंट है ये सारी बातें पता है अब कोई भी जब आप लोड लगाते हो या कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लगाते हो तो जो, जो फ्लेंजेस जनरली हमारे पास होते हैं वो ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोमेंट्स को कैरी करने के लिए जो जो फ्लेंजेस हमारे पास होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोमेंट्स को कैरी करने के लिए और जो वेब्स हमारे पास होते हैं वो ज्यादा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं शियर को कैरी करने के लिए ठीक है अब जब यहां पर शेयर मान लो इसकी हैसियत से ऊपर आ गया कैपेसिटी से ऊपर आ गया तो सर ये वेब बकल करने लग जाएगा आपके पास तो ये वेब क्या होगा ये वेब बकल करने लग जाएगा बकल का मतलब बकल का मतलब ये वेब आपके पास कुछ इस तरह से बकल करने लग जाएगा बात समझ में आ रही है इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर अगर ये रोल्ड सेक्शन है तो रोल्ड सेक्शन का ये वाला और ये वाला पार्ट हटा दो जितना आपका रूट रेडियस का पार्ट आ रहा है इसको देखो रूट रेडियस बोला जाता है दिस इज अ रूट रेडियस ठीक है तो ये रूट रेडियस वाला पार्ट आप यहां से हटा दो ये हमारा रूट रेडियस जितना रोल्ड सेक्शन होता है वहाँ पे corner पे, उसको root radius section भी बोलते हैं। इसको हटा दो, तो सर ये आपकी effective depth आ जाएगी D. ये वो D है, और साथ में जो वेब हमारे पास आ रहा है इसका जो रेशियो है अगर ये रेशियो सिक्सटी सेवन एपसाइल एपसाइल मतलब रेशियो, जो कि अंडर रूट ऑफ कितना आता है टू फिफ्टी एफ आ रहा है तो अगर इससे कम होता है तब हमारे पास क्या होगा तब तो हमारे पास वेब शेयर बकलिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है क्यों प्रिवेंट हो गई समझना ध्यान से सर मैं चाहता हूं कि डी बाई टी डब्ल्यू रेशियो हमारे पास कम होना चाहिए कम होना चाहिए क्या मतलब डेप्थ कम होनी चाहिए थिकनेस बड़ी होनी चाहिए डेप्थ कम होनी चाहिए थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए मतलब मोटा ताजा सेक्शन आपके पास होना चाहिए वेब के अंदर तब वो शेयर को अच्छे से रजिस्ट कर पाएगा क्योंकि जो शियरिंग एरिया हमारे पास जनरेट होगा वो ज्यादा होगा तो ज्यादा लोड ज्यादा लोड को रजिस्ट कर पाएगा तो सर डेप्थ कम होनी चाहिए थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए इस तरह के सेक्शन को हम लोग बोलते हैं इस तरह के सेक्शन को हम बोलते हैं स्टॉकी वेब क्या बोलते हैं इसको इसको हम बोलते हैं स्टॉकी वेब सेक्शन स्टॉकी का मतलब मोटा ताजा सेक्शन तो स्टॉकी वेब सेक्शन हमारे पास होते हैं तो अगर डी बाई टी डब्ल्यू आपके पास सिक्सटी सेवन एफसाइलन से कम होगा तब आपका वेब शियर बकलिंग में तब आपका वेब शियर बकलिंग के अंदर बढ़िया हो जाएगा ठीक है तब आपका वेब शियर बकलिंग में सब बढ़िया हो जाएगा सिद्धांत समझ नहीं? क्या नहीं आया ये बताओ जल्दी से क्या नहीं आया पहले आपको ये लिखना बहुत जरूरी है ठीक है सिद्धांत और अच्छा सिद्धांत कल भी तो आए थे शायद क्लास के अंदर हाँ आप हा, वही हो क्या इंग्लिश वाले बच्चे ही हो क्या आप जल्दी से बताओ मुझे और इसमें क्या नहीं आया ये बताओ जल्दी से ये तो एकदम सिंपल सी बात चल रही है बाकी सारे बच्चे भी कमेंट करके बताओ एक बार क्लियर है ये वाली बात सिंपल सी क्लियर चीज सी क्या ये सिंपल सी चीज थी इसमें कुछ समझने लायक कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बार बता दी मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बार बता दी क्या यहां पर जल्दी से बताओ मुझे कि सर डेप्थ डेप्थ हमने कम रखा, मतलब कम रखा रखा मतलब थिकनेस बढ़ा दिया तो सेक्शन मोटा ताजा है इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड बार बता दी जल्दी बताओ हाँ इसमें क्या हमने कॉम्प्लिकेटेड बार बताई है जल्दी से बतानेंगे मुझे ठीक है सर तो अगर हमारे पास सेक्शन स्टॉकी है तो समझना है यहां पर एक नोट आपको लिखना है अच्छे तरीके से एक नोट आपको लिखना है सर कि अगर D बाई टी डब्ल्यू सिक्सटी सेवन एपसाइलन से कम होगा तो हमारे पास वेब शियर बकलिंग वेब शियर बकलिंग इज प्रिवेंटेड तो वेब शियर बकलिंग प्रीवेंट हो जाती है यह बात हम समझते हैं सर यहां तक ये बात सर हम यहां पर समझते हैं एकदम क्लियर है सर आप कौन सा व्यू बना रहे हो किसका व्यू बना रहे हमने ये वाला कह रहे हो इंजीनियर टॉक है ना ये आपका सामने वाला ही है मतलब ऐसे खड़ा है आपका कॉलम ये देखो ये जो आपके पास बीम है कॉलम छोड़ो बीम की बात करो सर ये आपके पास बीम है वो कुछ इस तरीके से है ठीक है ये आपके पास बीम जो है वो कुछ इस तरीके से ये ऐसा है ये वाला व्यू बना रहे हैं। आया समझ में आ गया थ्री डी कैसे बनाए ऐसे बनाते ये वाला बना रहे है। ठीक है ना ये वाला बना रहे तो ऐसे ही ऐसे ही बनेगा तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाता है सर ये हमारे पास इस तरह से बन जाता है सर ठीक है तो ये आपको पूरा बीम देखने को मिलेगा इस तरीके से

अगर यह रेशियो फॉलो नहीं हुआ अगर डी बाई टी डब्ल्यू आपका 67 से ज्यादा हो गया अगर यह फॉलो नहीं हुआ तो वेब शियर बकलिंग होगी ही होगी देन वेब शियर बकलिंग विल बी ऑब्जर्वड तब वेब शियर बकलिंग आपके पास होगी ही होगी विल बी ऑब्जर्वड रेस्पेक्टिव मतलब चाहे सेक्शन आपका कोई भी हो रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सेक्शन स्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सेक्शन टाइप ऑफ सेक्शन दैट इज अगर यह सेक्शन प्लास्टिक हो सर अगर यह सेक्शन कॉम्पैक्ट हो या यह सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट हो सेमी कॉम्पैक्ट हो और सिलेंडर हो एंड सिलेंडर सिलेंडर सेक्शन इनमें से कोई भी सेक्शन हमारे पास अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर यह क्राइटेरिया आपने फॉलो नहीं किया है ठीक है अगर ये वाला क्राइटेरिया आपने फॉलो नहीं किया है तो अगर इस क्राइटेरिया को आपने फॉलो नहीं किया तो आपका वेब शियर बकलिंग तो देखने को ही देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है वेब बकलिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी इस तर, इस वजह से चाहे चाहे आपके पास सेक्शन प्लास्टिक हो चाहे सेक्शन कॉम्पैक्ट हो चाहे सेमी कॉम्पैक्ट हो या फिर सिलेंडर सेक्शन हो कैसा भी सेक्शन हमारे पास हो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा फेलियर तो इस वाले क्राइटेरिया को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है अब सर जब भी हम लोग इसमें बात करते हैं लेटरली सपोर्टेड बीम्स के बारे में तो लेटरली सपोर्टेड में देखो यहां पर ये फॉर्मूले हैं अब इन फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है बस एक बार इस चीज को ध्यान रखना है कि केस किस तरह से होते हैं तो देखो लेटरली सपोर्टेड बीम हमारे पास होता है तो अगर आपके पास जो शियर लग रहा है वो डिजाइन शियर के सिक्सटी के बराबर हो या उससे कम हो तब इसको हम बोलते हैं सर लो शियर केस और लो शेयर केस का मतलब बस ये है कि इसमें हमें शेयर वाला जो कंपोनेंट है इस शेयर वाले कंपोनेंट को हमें सर कंसिडर नहीं करना है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ये इसका बेसिक मतलब होता है तो जब आप शेयर को जनरली नेग्लेक्ट कर रहे हो तब जो डिजाइन मोमेंट हमारे पास है वो होता है सर बीटा बी मल्टीप्लाई बाय जेडपी जेडपी क्या है जेडपी जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडल एंड मल्टीप्लाई बाई एफ वाई डिवाइडेड नॉट गाम हमारे पास हो गया अब सीबीटी वन में यहां से तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आता है कि सर जब आपका शेयर लेस देन हो हो टाइम्स टाइम्स ऑफ ऑफ वी वी डी डी के के या फिर ग्रेटर हो VDK, तब हमारे पास इन दोनों केसेस को क्या बोलते हैं पहला क्वेश्चन ये आता है तो सर ये हमारे पास कहलाता है लो शियर केस ये हमारे पास कहलाता है हाई शेयर केस एक तो हमें ये याद रखना है दूसरी बात हमें पूछा जाता है जब आपके पास लेटरली सपोर्टेड है तो जो बीटा बी हमारा फैक्टर आपके पास आया है इस बीटा बी फैक्टर को क्या लेते हैं तो so, बीटा बी फैक्टर को वन लेते हो अगर सेक्शन प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट है अदरवाइज अपॉन अदरवाइजी निकालते हो अगर ये सेमी कॉम्पैक्ट है तो so, आपको ये वाला भी याद रखना है साथ साथ ये वाला भी याद रखना है सर कि अगर बीटा बी हम वन लेंगे कब लेंगे जब प्लास्टिक सेक्शन होगा जब हमारे पास कॉम्पैक्ट सेक्शन होगा अदरवाइज आपको बीटा बी कैसे कैलकुलेट करना है जेड ई बाय जेड पी सर जेड ई क्या है ये एग्जाम में आपको देगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है ये दिस इज योर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और जेड पी हमारे पास ये भी आपको एग्जाम में देगा विच इज बेसिकली योर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कल जब मैं प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब वहां पर दोनों को कैसे कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे नहीं आज लास्ट क्लास नहीं है डोंट वरी ठीक है तो दिस इज बीटा बी ऐसे आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो आगे देखो अगर सिलेंडर सेक्शन को तो आप रिड्यूस स्ट्रेंथ है सिलेंडर के लिए डिजाइन जनरली हम करते भी नहीं है ठीक है तो ये आपसे पूछा जाएगा साथ ही साथ एक और चीज पूछी जाएगी कि ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है यहां पर आपके पास ये फैक्टर होता है 1.2 फैक्टर और एक फैक्टर होता है सर 1.5 तो अगर सिंपली सपोर्टेड है तो हमारा ये फैक्टर जो आपके पास आएगा दैट इज वन और अगर कैंटिलीवर सेक्शन है तब ये फैक्टर आएगा 1.5। पॉइंट यह स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाता है कि डिजाइन स्ट्रेंथ शुड बी लेस देन एक्स टाइम्स और ये आगे आपको लिख के दे देंगे कि सर जेड ई एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस एक्स की वैल्यू बताओ तो सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर 1.2 होगी सर ये कैंटिलीवर है तो इस एक्स की वैल्यू बताओ

सेकेंड वाले केस में जब हम शेयर को कंसिडर कर रहे हैं साथ में तब कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलती है स्ट्रेंथ के अंदर और वो कमी देखो यहां आपको देखने को मिलेगी कि ये इतना डिजाइन स्ट्रेंथ पहले बन रहा था लेकिन इसमें से हमने कुछ फैक्टर को कम किया और वो देखो क्या है बीटा बी एम डी माइनस एमएफडी तो ये जो रिडक्शन हमें देखने को मिला है ये शेयर को कंसीडर करने की वजह से देखने को मिला है इसलिए हमें इस चीज को याद रखना पड़ेगा अब इस बीटा को निकालने का तरीका क्या है 2V वी VD ये आपका फैक्टर है और ये आपका डिजाइन शेयर है इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो so कर सर लो शेयर स्ट्रेस रिपीट कर दीजिए सर मौर्य आशीष कह रहे देखो लो शेयर केस का मतलब होता है कि जब हमारे पास शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके पास डिजाइन स्ट्रेस से 60 परसेंट से भी कम होता है तब हम उसको लो स्ट्रेस जनरली बोलते हैं इसमें आई एस कोर्ट ने आपको एक फॉर्मूला दिया है एम बराबर बीटा बी जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट आपको बस ये याद रखना है कि सर बीटा बी की वैल्यू कैसे लोगे आपको बस ये याद रखना है ये फैक्टर्स किस तरह से हमारे पास जनरली बनते हैं ये चीजें अगर आप याद रख लोगे तो यहां पर आपका लो शेयर केस में जो मैंने अलग से मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए इन फैक्टर्स को जरूर याद रखना है जो ऊपर से मैंने अलग से लिख दिया है बस इतना आपके यहां पर सीबीटी वन के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है जब पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था तब ये फॉर्मूले बैठ बैठ के रटने पड़ते थे सबको क्योंकि वो एग्जाम में काम आता था ठीक है इस चीज को ध्यान रखना ठीक है सर तो यह हमारे पास हो गया सर लेटर लेटरली आपके पास सपोर्टेड बीम का अगर लो शियर केस है और दूसरा अगर हमारे पास हाई शेयर केस है ठीक है अब दो कॉन्सेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है सर वेब बकलिंग का और दूसरा कॉन्सेप्ट है सर हमारे पास वेब क्रिपलिंग का कि वेब बकलिंग क्या होती है और वेब क्रिपलिंग क्या होती है ठीक है दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है तो मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि सर वेब बकलिंग और क्रिपलिंग को पढ़ें या पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से बताइए वेब बकलिंग या क्रिपलिंग करें या फिर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से बताओ कमेंट करके बताओ वहीं से हम इसको कैरी कर लेंगे क्वेश्चंस करें आज, -फट पहले आज फटाफट पहले पहले क्वेश्चंस करें सर ये कोई पढ़ाता नहीं है बिल्कुल सही बात है नहीं पढ़ाता लेकिन मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं ठीक है तो मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है तो काफी सारे बच्चे कहें सर पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं ठीक है सर तो बस ये दो टॉपिक ही हैं जो बीम्स के आपके रह गए कोई बात नहीं इसको हमें कवर करेंगे लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं ठीक है सर जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये एज पर आई एस कोड जल्दी से बताइए एज पर आई एस एट हंड्रेड द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडर रेशियो फॉर अ स्टील मेंबर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू टेंशन क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको और जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत उसने कहीं देखा है सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का कंटेंट आपको यहां क्रैश कोर्स में इतने कम समय में दिया जा रहा है तो ये एक बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं बहुत एफर्ट मैं लगाता हूं कि जो 70 अस्सी घंटे का कंटेंट है उसको कैसे 12 से 14 घंटे में आपके सामने रखा जाए ताकि इस तरह के सब्जेक्ट में आप एक्यूरेसी बढ़िया लेके आ ठीक है तो ये बहुत मेहनत लगती है काफी टाइम लगता है आप सबको पता है रात को मैं टेलीग्राम सेशन पता रात को बारह बजे तक ठीक है बहुत बच्चों को मेंटरशिप गाइडेंस भी देते रहते हैं हम लोग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जो आप सबको पता है एट द रेट पीडब्लू यशवंत सर वाई कैपिटल है और एस कैपिटल है ठीक है तो रात को 12 बजे तक तो मैं यहीं पर हेमेंद्र मौर्या हमारे जो ऑल इंडिया रैंक थ्री है उनके साथ एक गाइडेंस सेशन था सभी बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर ठीक है तो रात को वहीं था और मॉर्निंग के अंदर देखो आपकी क्लास एक सेकंड भी लेट नहीं हुई है आठ बजते ही क्लास शुरू हो गई थी है ना तो ये इतने एफर्ट जब आप लोगों के लिए लगाए जाते हैं तो मुझे लगता है उन चीजों को आपको एप्रिशिएट भी करना चाहिए उसका फायदा उठाना चाहिए उसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए तो ऑलवेज अंडर टेंशन आएगा तो सर 400 है मैंने बोला था याद रखना है आपको ऑलवेज अंडर टेंशन एक्सेप्ट फॉर प्री टेंशन मेंबर्स तो वहां आपके पास चार आता है दैट इज सी शुड बी द राइट आंसर सिक्सटी बेटा टेबल याद करनी थी टेबल याद करनी थी मैंने आपको बताया था टेबल याद रखनी है इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अक्षय हर्षित राज भास्कर टारगेट विजय सयातन अब ये क्या लिख दिया भाई फेबल ब्राह्मण मतलब चलो ठीक है अंजलि केसरी विलन बहुत बढ़िया वेरी नाइस तो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट सर हमारे पास है नेक्स्ट सर हमारे पास है एज पर आई एस एट हंड्रेड द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ मेंबर मली कैरिंग टेंशन बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक फोर्स तो जब विंड और अर्थक्वेक फोर्स को आप कंसिडर कर लेते हो तब फैक्टर कितना आता है जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में याद होता है डेटा हमेशा बोलता आया हूं मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में डेटा याद होता है, उस को आपको ध्यान रखना है। अगर और answer, तो 350 होना चाहिए अगर और को भी आप कर रहे हो तो डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिक्सटी अरे यार सो मैं सोच रहा हूं और आप सिक्सटी सेवेंटी तक अटके पड़े हो विकास अर्चित टारगेट सिद्धांत सोनू सुभाष इंद्रजीत अक्षय मौर्य और पवन कुमार चलो ठीक है वेरी नाइस आ जाओ नेक्स्ट पे अब ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टेबल का तीसरा पॉइंट है तीसरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू तो आई एस कोड वॉट इज द मैक्सिमम परमिसिबल इफेक्टिव स्ट्रेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर इन रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस इज ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड अर्थ को लोड अदर देन विंड एंड अर्थ को लोड यहां पर विंड और लोड नहीं आया है तो है है है। दिए हैं 2023 में भी क्वेश्चन आया, आया था आगे भी आने के बहुत बड़े टेबल मैंने बोला था बैठ के याद करना उसको राइट आंसर बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बताओ जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसके लिए बी करेक्ट आंसर है नाइनटी वेरी गुड अब इंप्रूवमेंट आता जा रहा है अब ज्यादा बच्चे करेक्ट कर रहे हैं गुड्डू कुमार बैक बेंचर अक्षय मनीष शुभांशु मौर्य हर्षित ब्राह्मण एंड पिंटू स्वयं विकास को नाम बढ़िया रखते हो यार सब लोग हैं नाम जबरदस्त लगते हो एकदम खतरनाक नाम रखते हो सारे क्रिएटिव क्रिएटिव से अच्छी बात है नेक्स्ट पे आ जाओ अब देखो यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर 2.5 परसेंट वाला समझा दो देखो कैसे आता है क्वेश्चन अ लेस्ड कॉलम इन डिजाइन फॉर एन एक्जियल फैक्टर लोड अगर एक्जियल फैक्टर लोड आपके पास दो किलो न्यूटन का है ट्रांसफर शेयर रजिस्टर्ड बाय द लेज्ड सिस्टम इज तो कितना ट्रांसफर शेयर हम यहां पर रजिस्ट करते हैं या रजिस्ट करते हैं यहां पर कितना होगा ट्रांसफर शेयर तो ध्यान से बताओ ये मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफर शेयर हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली 2.5 परसेंट ऑफ एक्सियल लोड ये आपका होगा रिकमेंडेशन तो सर 2.5 ऑफ एक्सियल मतलब 200 का तो सर कितना हो गया ये हमारे पास हो गया सर फाइव किलो न्यूटन तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि फाइव किलो न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल है ऐसे आपको रिकमेंडेशन याद रखनी है इस तरीके से रिकमेंडेशन याद रखनी है नाइनटी फोर परसेंट भास्कर अक्षय पुरुषोत्तम सुशील देवीलाल भार्गवी पटेल विकास बहुत बढ़िया वेरी नाइस nice. चलो आगे बढ़ते हैं आगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वॉट शुड बी द मिनिमम इंक्लाइन एंगल ऑफ द एक्स ऑफ द मेंबर फॉर लेसिंग बार्स इन सिंगल और डबल सिस्टम क्या एंगल होता है तो मिनिमम एंगल क्या होता है आज रिकमेंडेशन समझाई थी मैंने आपको रिकमेंड समझाई थी जो थीटा की वैल्यू है कितनी होनी चाहिए सर 40 से 70 40 से 70 सर होनी चाहिए तो मिनिमम ये हो गया मैक्सिमम ये हो गया दोनों डेटा क्लियर हो गया सर ज बी इज द राइट आंसर मतलब सी इज द राइट आंसर चालीस डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी फोर्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है एटी फोर परसेंट हो गया मयंक भास्कर हर्षित अक्षर शुभम शुबं, शुभांशु शिवम सत्यम एसके और पुरुषोत्तम बहुत ही बढ़िया एक और क्वेश्चन पे आ जाओ एक और क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी जा से ये बताओ ये बताओ इफ लेसिंग्स आर यूज देन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन में अगर हम लेसिंग्स को यूज करते हैं तो कितने प्रतिशत से हम लोग इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं यह भी आज हमने बातचीत कर ली भर जाना चाहिए भाई ठीक है ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं कितना से इंक्रीज करते हैं सर फाइव परसेंट से आप इसको इंक्रीज करते हो दैट मींस डी इज द राइट आंसर क्वेश्चंस के फॉर्म में ज्यादा ज्यादा डेटा को याद कर पाते हो यह बात बहुत ज्यादा आपको समझनी है और वही मैं यहां समझाने की बार बार आपको कोशिश कर रहा हूं नाइनटी परसेंट बच्चों सही क्या हर्षित टारगेट मौर्य शुभम अक्षय रूही हेमा और देवीलाल बहुत बढ़िया आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यह बताओ जल्दी से अब सर यह क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन वैसे क्वेश्चन आपका छोटा है कैसे है आई एस एल सी थ्री हंड्रेड चैनल प्लेस बैक टू बैक एट अ स्पेसिंग ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर री एन एक्ल लोड ऑफ हंड्रेड टन मतलब तो कितने ट्रांसफर शेयर के लिए रजिस्टर होना चाहिए सेम अभी रिकमेंडेशन पूछने का तरीका बस थोड़ा सा अलग कितना टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ फैक्टर्ड एक्सुअल लोड यह अब दिमाग में छप गया है सर मतलब 2.5 बटा 100 और आपके पास यहां लोड है कितना है सर 100 टन का लोड है 100 100 कैंसिल मतलब ढाई टन आपका आंसर हो गया 2.5 टन के लिए आपको लेसिंग को डिजाइन करना है 2.5 टन के लिए आपको लेसिंग को डिजाइन करना है कोई बच्चा गलत नहीं करेगा यहां पर ए शुड बी द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 96% बच्चों ने सही किया है ठीक है निशु एजुकेशनल बूबे गुड्डू सोनम देवीलाल बहुत बढ़िया एक और क्वेश्चन करते हैं ये बताओ जल्दी से कॉलम स्प्लाइस को क्यों यूज किया जाता है कॉलम स्प्लाइस कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज क्या इंक्रीज करने के लिए कॉलम स्प्लाइस को हम यहां पर यूज करते हैं सर लेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करने के लिए या कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है सर हमें जैसा चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है बताओ क्या अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज क्या इंक्रीज करने के लिए कॉलम स्प्लाइस को हम यूज करते हैं सर लेंथ ऑफ द कॉलम को इंक्रीज करने के लिए करते हैं बताया था आज की क्लास के अंदर यह बात आज की क्लास में बात बताई थी मतलब ए शुड बी द राइट right आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाइनटी एट परसेंट बच्चों ने टारगेट अक्षय मौर्य भास्कर शुभम मधु सोनू वंशी शुभांशु और मयंक टॉप टेन बहुत ही बढ़िया एकदम क्लियर एकदम क्लियर है बातें सर यहां तक हमारे पास ठीक है सर चलो दो क्वेश्चन और करेंगे

178 द लेंथ किसकी बात हो रही है इनर रिवेट मतलब सर आपके पास डबल लेसिंग की बात हो रही है इन द केस ऑफ योर डबल लेसिंग थिकनेस कितनी होती है 140 आएगा 160 आएगा क्या आएगा 148 आता है जब हमारे पास सिंगल लेसिंग होता है 168 आता है जब हमारे पास डबल लेसिंग होता है 158 आता है जब हमारे पास बैटन होता है बस यही तो याद रखना है तो 160 मतलब सी इज द राइट आंसर मतलब सी इज द राइट आंसर जो पढ़ाया वैसे ही क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलेंगे और रिकमेंडेशन याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है मौर्य अक्षय मयंक शिवम शुभम सिविल सुजीत अजय विजय विलन बहुत बढ़िया आ जाओ नेक्स्ट पे स्लेंडरस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार्स कितना होना चाहिए किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो रेशियो ऑफ द लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ अरे मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कंटेंट को पढ़ने में चीजों को याद रखने में स्टील स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करने में अकेले करते रिवाइज तो नहीं हो पाता तो वीडियो एंड के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लग रहे हैं आपको पूरे सेक्शन ठीक तो है तो वन बिल्कुल करेक्ट है तो लेमडा लेसिंग लेमडा शुड नॉट एक्सीड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो सर बिल्कुल करेक्ट है 97 परसेंट बच्चों ने एकदम सही किया है आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को कल करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर ठीक है इन सिंगल लेस कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार्स शेल नॉट बी लेस देन सर डबल लेसिंग का हमने बात कर ली एक रिकमेंडेशन हमें सिंगल लेसिंग की भी याद हो जानी चाहिए तो सिंगल लेसिंग में क्या होगा सर अब तो बिल्कुल याद हो गया एक बटा चालीस एक बटा पचास एक बटा साठ तीनों चीजें याद हैं तो सिंगल लेसिंग पूछा है सिंगल लेसिंग पूछा है तो एक बटा चालीस एक बटा चालीस दैट इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको सिंगल लेस सिस्टम पूछा गया तो अब तो सर हम उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आएगा दिखेगा उड़ा देंगे हम बी इज द राइट आंसर नाइनटी बच्चों ने किया है यहां पर एकदम करेक्ट ठीक है सर एक बार लीडर बोर्ड को भी हम चेक करेंगे और बच्चे हुए जो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कुछ का मतलब दो बचे हुए हैं तो दो को कर ही लो फिर अगर दो बचे हैं तो दो को कर लो क्वेश्चन फटाफट जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपके लिए बढ़िया है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाय कितने कितनी इफेक्टिव लेंथ को आप इंक्रीज कर सकते हो बैटेंड कॉलम को जल्दी से बताएंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बैटर्ड कॉलम इज इंक्रीज बाय कैसे इंक्रीज करते हैं कितने से इंक्रीज करते हैं सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचे हैं एक ये हो गया आपके पास टेन परसेंट से इंक्रीज करते हैं बिल्कुल करेक्ट है लेसिंग में पांच परसेंट बैटर में दस परसेंट टेन परसेंट से आप इसको इंक्रीज करोगे तो सर ए इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों ने एकदम सही किया है उड़ा रहे हो क्वेश्चन मजा आ रहा है एकदम बढ़िया सर ये भी बता दो सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जल्दी से बताएंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इफ ट्वेंटी एम एम रिवेट्स आर यूज इन लेसिंग बार्स देन मिनिमम विथ ऑफ लेसिंग बार शुड बी सर ये है हमारी लेसिंग बार डाया आपको दिया है सर बीस तो विथ मिनिमम कितना होना चाहिए विथ शुड नॉट बी लेस देन ये कम नहीं होना चाहिए थ्री टाइम्स द डाया से तो कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए मतलब थ्री टाइम्स द डाया दैट मीन्स सिक्सटी एम से कम में काम नहीं चलेगा सर तो सी इज द राइट आंसर कमेंट दिखाओ मुझे एक बार सी इज द राइट आंसर बहुत ही बढ़िया सी इज द राइट आंसर इससे कम नहीं होना चाहिए सारे रिकमेंडेशन क्लास में पढ़े हैं आप लोगों ने ठीक है शिवम टारगेट देवी बहुत ही बढ़िया तो आई थिंक यहां पर हम आज के क्वेश्चन जो है हमारे वो सारे खत्म हो जाते हैं तो आज हमने क्या किया है सर आज हमने कंप्रेशन मेंबर जो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था इस कंप्रेशन मेंबर को भी हमने अच्छे लेवल पर निपटा दिया है और उसके बाद हमने सर डिजाइन ऑफ बीम्स अब इस डिजाइन ऑफ बीम में सिर्फ दो पॉइंट्स बचे हैं एक वेब बकलिंग वाला एक वेब क्रिपलिंग वाला वो कल हम कवर करेंगे ठीक है आपका होमवर्क बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत जो प्लेट गर्डर वगैरह है क्योंकि देखो प्लेट गर्डर गेंट्री गर्डर थोड़े टर्म्स आपको पढ़ के आने पड़ेंगे कल मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में थोड़े टर्म आपको पढ़ के आने हैं ताकि कल समझाने में थोड़ी आसानी रहेगी आप लोगों के लिए इन चीजों को आपको बढ़िया तरीके ध्यान रखना इतना एफर्ट अगर आप लोगों के लगाए लगा जा रहे हैं मेरे साइड से भी रात को बारह बजे तक मैं सेशन ले रहा हूं मॉर्निंग में जल्दी टाइम पे आ रहा हूं तो आपको भी सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए सारी बातें है ना तो आपको भी उतने ही एफर्ट लगाने हैं यहां पर बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखना पुतिन बाबा कह रहे सर डेड लोड के लिए एक लेते हैं अरे वही तो बताया है भैया वही वो ही तो बताया है कंसिडरिंग द डेड लोड वो एक लिया है और वहां पर साढ़े तीन सौ ही लिया है ठीक है अगर आपके पास विंड अदर देन अगर डेड लोड आते हैं वही बताया गया है वापस जाके क्वेश्चन को पढ़ना पुतिन बाबा वापस जाए क्वेश्चन को पढ़ना आपको बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा ठीक है एक बार लीडर बोर्ड को दिखा देते हैं किसने आज टॉप किया है सर लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं अक्षय ने टॉप किया है नाइन पॉइंट सिक्स नाइन सेकेंड तेरा में तेरा क्वेश्चन सही है हर्षित सत्यम आशीष ए टू अंजलि सिक्स पे सोनू सवाई एट पे एसके स्टडी और टेक मल्ली लियोना ये हमारे टॉप है सबने क्वेश्चन सारे ही सही किए हैं लेकिन मतलब टॉप ग्यारह ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं और ग्यारहवें नंबर पर शुभांशु प्रताप है तो टॉप टेन हमारे पास आज ये है तीन सौ पचास लिया है सर आपने पुतिन बाबा रुको एक बार रुको एक बार इधर आओ जल्दी से इधर आओ जल्दी से देखो पता नहीं क्या कहां से से क्या समझ लिया है यहां से आओ इधर देखो जल्दी से कौन सा कहां ले लिया भाई कौन सा कहां ले लिया ध्यान से देखो सबसे पहला लिया ऑल टेंशन मतलब 400. Reversal, चार सौ दूसरा सर हमने लिया सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ड्यू टू विंड जब विंड और अर्थ को एक लोड लग रहा है तब साढ़े तीन सौ लिया ये दूसरा ये हमारे पास हो गया तीसरा अदर देन विंड तब एक सौ अस्सी लिया कौन से गलत हो गया कौन सा गलत हो गया भाई इसमें बताओ जल्दी से पुतिन बाबा स्टील कौन से रशियन भाषा में पढ़ी है आपने कौन से भाषा में स्टील पढ़ी है सिंपल सिंपल चीज जब बता दिया गया है आपको सामने एकदम क्लियर तरीके से सर ये हो गया सर वो हो गया सर ये हो गया है ना पीडीएफ डियर आपको पीडीएफ मिल जाएगी एट द रेट पीडब्ल्यू यशवंत सर पर अभी मैं जस्ट पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा तुरंत क्लास खत्म होने के बाद इस टेलीग्राम चैनल है इस पर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीके से आप यहां पर इसको फॉलो कर सकते हो और बहुत सारे सेक्शन बहुत सारे सेशन जो है मैं लेके आता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पे यहां पर आप आ सकते हो फॉलो कर सकते हो आई होप आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर रहे होंगे दो क्लासेस हमारे पास और हैं स्टील की कल हम प्लेट गडर गेंट्री गडर प्लास्टिक एनालिसिस के बाद बात करेंगे और फाइनल क्लास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होगी आई एस कोडल प्रोविजन की जो कोडल प्रोविजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर टिल देन Keep learning, keep rocking. Thank you so much.